राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावनवा राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है, सोते रो आदि सोते रो आदि। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव गाइए कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 भाव से बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री
राधा हमारे धन हो राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारे धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन श्याम धन राधा 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 श्याम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे। वैसे तो हम सब लोग यूके बर्मिंघम में हैं, परंतु कहते हैं कि यदि हम मन से व्रज वृंदावन चले जाए, हमारे मन में यदि वृंदावन का स्मरण करें तो वृंदावन में जाने का फल प्राप्त होता है। आज कथा का अंतिम दिन है, तो आप सब हमारे साथ ब्रज 84 कोस की यात्रा करना चाहोगे? आइए हम मन ही मन वृंदावन चलें, परंतु वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है, इसलिए राधा नाम के साथ ब्रज वृंदावन की यात्रा करें स्वभाव से। राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे बोलो राधे 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 सभी लोग राधे राधे जतिपुरा में गोवर्धन में दान घाटी में पाप मोचन कुंड में संकर्षण कुंड में गोविंद कुंड में राधे राधे भैरव कुंड में राधे राधे गौरी कुंड में राधे राधे उछरी का लोटा राधे राधे कुसुम सरोवर राधे राधे श्याम कुटीर में राधे राधे नारद कुंड में राधे राधे ग्वाल पोखरा हरि गोकुल में रमण रति में राधे 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 वाली राधे 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 बरसाने 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 वाली बोलो राधे 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 बांके बिहारी सने बिहारी राधे राधे मदन मोहन जी राधे राधे गोपेश्वर में राधे राधे गोपीनाथ जी राधे राधे राधा रमण जी राधे राधे राधा माधव जी राधे राधे साक्षी गोपाल जी राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे युगल किशोर जी राधे राधे राधा रमण जी राधे राधे अष्ट सखी जी राधे राधे केशव देव जी राधे राधे द्वारकाधीश जी राधे राधे पिपलेश्वर महादेव राधे राधे रंगेश्वर महादेव राधे 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 बरसाने वाले राधे
राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे, 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 राधे 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 वृंदावन में, राधे राधे सुनरत गांव में, राधे राधे काली देहा पर, राधे राधे पान गली में, राधे राधे मान गली में, राधे राधे कुमन गली में, तालियों के साथ कुंज सेवा में, राधे राधे प्रेम गली में, राधे राधे श्रृंगार घाट में, राधे राधे चीर घाट में, राधे राधे केशी घाट में, राधे राधे निधि वन में, राधे राधे वंशीवट में, राधे राधे ज्ञान गोदरी, राधे ब्रह्मा कुंड में, राधे राधे अटल वन में, राधे राधे निहार वन में, राधे राधे गोपाल वन में, राधे राधे वेणुगोप में, राधे राधे कुंज वन में, राधे राधे राधा वन में, राधे राधे झूलन वन में, राधे राधे भांडेर वन में, राधे राधे मधुवन में, राधे राधे सूर्य घाट में, राधे राधे युगल घाट में, राधे राधे विहार घाट में, राधे राधे अंधेर घाट में, राधे राधे पानी घाट में, राधे राधे केली कदम में, राधे राधे मथुरा जी में, राधे राधे जन्म भूमि में, राधे राधे गोपेश्वर में, राधे राधे विश्राम घाट में, राधे राधे स्वामी घाट में, राधे राधे मधु कुंड में, राधे राधे अक्रूर भवन में, राधे राधे ताल वन में, राधे राधे कुमुद वन में, राधे राधे तड़िया जी में, राधे राधे बराई गांव में, राधे राधे करुण गोविंद में, राधे राधे केसरी गांव में, राधे राधे बहुला वन में, राधे राधे संतन कुंड में, राधे राधे डेरा गांव में, राधे राधे इंदिरा कुंड में, राधे राधे रावत कुंड में, राधे 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 नाम महा धन है अपनो नहीं दो सरी सम पति और कमाई नाम महा धन है अपनो नहीं दो सरी सम पति और कमाई अरे छोड़ यटारी यटा जग की हमको कुटिया ब्रिज माही बनाली 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 टूक मिले रसिको की सदा और पीपन को यमुना जल पानी टूक मिले रसिको की सदा और पीपन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी हाँ राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय श्री श्री राधा गोविंद जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ गौरानी ताय जय गौरानी ताय गौरानी ताय जय गौरानी ताय गौरानी ताय जय
जय श्री गौरदा प्रभुपद शिल प्रभुपद जय प्रभुपा जय जय प्रभुपा नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धरण हरि नाम संकीर्तन की जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय नीताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद इस सभा को परम सुशोभित करने वाले भागवत कथा रसिक वरिष्ठ भक्त गण दूर दूर से देश विदेश से आधुनिक उपकरणों के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोता गण एवं श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम एवं अंतिम दिवस में पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम राधे श्याम। परम सौभाग्य पिछले 6 दिनों से हम सब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस कथा को सुनकर महाराज परीक्षित संसार की समस्त बाधाओं से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त हुए। गत सत्र में हम सब ने कृष्ण जन्म की कथा सुनी। क्या आपने कभी सोचा भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस धरती पर क्यों होता है? श्रीमद् भागवत की भूमिका में नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे। भागवत की शुरुआत कहां से होती है? शौनक आदि ऋषि मुनियों के प्रश्नों से। शौनक आदि ऋषि मुनियों के 6 प्रश्नों में एक प्रश्न था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर क्यों आते हैं। मैं बहुत ऊंची बात करने जा रहा हूं, शायद आप लोगों ने यह सब नहीं सुना होगा। कृष्ण इस धरती पर क्यों आते हैं? कंस को मारने के लिए, पुतना को मारने के लिए, अघासुर बकासुर शक्टासुर तृणावर्त केशी ये सब असुरों को मारने के लिए कृष्ण धरती पर आते हैं। एक समय के लिए आप विचार कीजिए कि कृष्ण के यहां आने का प्रयोजन असुरों को मारने के लिए होता तो वे भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में बैठे बैठे अपनी इच्छा शक्ति मात्र से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का प्रलय कर सकते हैं तो ये 5, 10, 15 असुरों को मारने के लिए यहां स्वयं क्यों आते हैं? वह तो अपने इशारे से ब्रह्मांड को गिरा सकते हैं,
तो असुरों को मारने के लिए स्वयं क्यों कष्ट उठाते हैं? या फिर आपके मन में यह हो सकता है कि कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। धर्म की स्थापना भगवान से ज्यादा और भगवान से अच्छे उनके भक्त करते हैं। सो धर्म की स्थापना करने का भी उद्देश्य नहीं है, न तो असुरों को मारने का उद्देश्य है। तो फिर भगवान का इस धरती पर क्यों आना होता है? तब हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य श्री भक्त भागीरथ ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, गोपीना जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइले सुविस्तार लीला कोइले सुविस्तार। भगवान इस धरती पर क्यों आते हैं? एक और मात्र एक, हम सब जीवों को सुखी करने के लिए। कृष्ण इस धरती पर क्यों आते हैं? हम सब जीवों को सुखी करने के लिए। आखिर परमात्मा है ना, आत्मा के पिता है परमात्मा है, और भगवान को अपने जीवात्माओं का, संसार के लोगों का दुख देखा नहीं जाता। सो कृष्ण देखते हैं कि संसार का जीव कहीं ना कहीं दुखी है, अपने मन में अनेकों प्रकार की बाधाओं को, कठिनाई को लेकर बैठा है। हमारे जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, इन सारे प्रॉब्लम की एक ही जड़ है, हमें प्रेम करने वाला सही तत्व नहीं मिल रहा है, हमें सेवा करने वाला सही तत्व नहीं मिल रहा है। आप जानते हैं, पहले तो आप लोगों को इतना तो ज्ञात होना ही चाहिए या होगा ही कि हम लोग शरीर नहीं, हम आत्मा है। आप लोग जानते हैं ना, हमारी वास्तविक पहचान क्या है? क्या हम शरीर हैं? शरीर तो टेम्पररी है, कुछ समय के लिए मिला है। आज ये शरीर, कल दूसरा शरीर, फिर तीसरा शरीर, शरीर बदलते रहता है, लेकिन हम आत्मा है। सो हमारी वास्तविक पहचान, वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ सोल, हम आत्मा है। और आत्मा का स्वभाव क्या है? दुनिया के बारे में तो हम बहुत जानते हैं, फलाने का स्वभाव ऐसा है, फलानी का स्वभाव ऐसा। पहले अपने अंदर देख, अपना स्वभाव क्या है, है? आत्मा का स्वभाव कैसा है? अब जानते हैं, आत्मा का स्वभाव, जीव मात्र, आत्मा मात्र का स्वभाव है सेवा करना। क्या है? सेवा करने का स्वभाव। जैसे नमक का स्वभाव क्या है? सोल्ट। नमक का स्वभाव क्या है? खारा लगना, राइट? अच्छा, नमक में से आप खारापन निकाल दो, कुछ बचेगा? सॉल्ट में से आप सॉल्टीपना निकाल दो, खारापन निकाल दो, कुछ नहीं बचेगा। तो खारा लगना, सॉल्टी लगना, ये सॉल्ट का स्वरूपगत स्वभाव है। ओके, शक्कर, मिश्री, शक्कर का स्वभाव क्या है? स्वीट लगना, मीठा लगना। शक्कर में से मीठापन लगा दो, मीठापन निकाल दो, कुछ बचेगा? नहीं। सो स्वीट लगना, मीठा लगना, शक्कर का स्वरूपगत स्वभाव है। जैसे मिर्ची का स्वभाव है तीखा लगना,
मिर्ची यदि तीखी ना हो तो वो मिर्ची काहे की है? ठीक उसी प्रकार नमक का स्वभाव है खारा लगना, शक्कर का स्वभाव है मीठा लगना, मिर्ची का स्वभाव है तीखा लगना, वैसे ही आत्मा का स्वभाव है सेवा करना। आत्मा का क्या स्वभाव है? सेवा करना। इतना भी समझ गया ना तो भागवत कथा सफल है। आत्मा सब कुछ छोड़ सकती है, सेवा नहीं छोड़ सकती। ये केवल मनुष्य की बात नहीं हो रही है, पशु पक्षी तक को आप देख लो, सब लोग सेवा करना चाहते हैं। एक पक्षी अपने बच्चों की कैसी सेवा करता है, पशु भी अपनों की अपने बच्चों की कैसी सेवा करता है, हम लोग भी सेवा कम करते हैं। लेकिन गड़बड़ कहां पर है? जिसकी नहीं करनी चाहिए उसकी करता है। आप देखिए, हम लोग सबसे ज्यादा सेवा किसकी करते हैं जानते हैं? हमारे शरीर की। सुबह से लेकर शाम तक इस शरीर की कितनी सेवा। पहले तो इसको नहलाओ, ब्रश कराओ, शैम्पू लगाओ, फेस वॉश लगाओ, साबुन लगाओ, बॉडी वॉश लगाओ, फिर इसको खिलाओ, इसको पिलाओ, इसे अच्छे वस्त्र पहनाओ, इसको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी में रखो, गर्मी है तो एसी में रखो, ठंडी है तो हीटर में। शरीर की हम लोग कितनी सेवा करते हैं। उससे थोड़ा सा आगे बढ़े, शरीर की सेवा करते हैं, फिर और थोड़े से उदार हम लोग बनते हैं। हम लोग तो बहुत हैं, तो और उदारता हमारी कितनी है? इस शरीर से जुड़ी हुई अपनी पत्नी की सेवा करते हैं, या पत्नी है तो पति की सेवा, सेकंड नंबर में वो आता है, उनको खिलाओ, उनको पिलाओ, उनके लिए। और थोड़ी सी उदारता हमारी बढ़ती है तो इस शरीर से जुड़े हुए अपने बच्चों की सेवा, और थोड़े से उदार बनते हैं तो फिर हमारे भरत भाई की तरह समाज की सेवा, सेवा संघ से ही जुड़े हुए हैं, भूखा काढ़ी नाखे वो आ बदा। तमे आ लोको साथे संबंध सारो राखजो, जीवन में क्यारे वांधो नहीं आवे। सो समाज की सेवा, और ये तो बड़े उदार हैं कि समाज तक पहुंचे। हमारी सेवा तो हमारे फैमिली में पूरी हो जाती है। आपणे तो नहीं कहता अमे अमारू करी लीधु छे, अमे अमारू करी लीधु छे, नरक में जवानू। वो साइलेंट होता है, वो हम लोग बोल देते हैं, तमे तमारू करी लीधु छे, नरक में जवानू। कुछ लोग तो बड़ी हवा करते हैं कि मैं बहुत प्रतिष्ठित आदमी, मैं अपना ध्यान रखता हूं, मेरी पत्नी का ध्यान रखता हूं, मेरे बच्चों का ध्यान रखता हूं, तो इसमें कौन सा बड़ा तीर मार दिया। अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान तो कुत्ता भी रखता है, ये कोई बड़ा काम नहीं किया। मनुष्य जीवन मिला है, यदि कुछ करना चाहते हैं, इतिहास के पत्तों पर अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, तो परोपकार करें, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करें, दूसरों के लिए कुछ करें। बाकी अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, अपने लिए तो सब लोग। सो सेवा करना ये आत्मा का स्वभाव है। अपने शरीर की सेवा, पत्नी पति की सेवा, बच्चों की सेवा, और थोड़े आगे बढ़े तो समाज की सेवा, और थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो देश की सेवा है। लेकिन अब कान खोलकर सुनिए कि ये जितने भी मैंने आपको गिनाए, ये सेवा जीव क्यों करता है, यदि मैं आपको पूछूं? क्योंकि सेवा करने से सुख मिलता है, जो भी है सेवा से सुख मिलता है। बिना सुख के कोई सेवा करेगा? बस मुझे आपको इतना ही मैसेज देने के लिए भारत से आया हूं कि अपने शरीर की सेवा, अपने परिवार की सेवा, समाज की सेवा या देश की सेवा करने से जो सुख मिलेगा, वो सुख एक बिंदु जितना होगा। नो डाउट सुख मिलेगा,
लेकिन वह सुख केवल बिंदु जितना, लेकिन वही सेवा हम और आप परमात्मा की सेवा करेंगे तो सिंधु के समान सुख मिलेगा, समुद्र के समान सुख मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आत्मा का स्वामी, आत्मा का ईश्वर परमात्मा है। परमात्मा की सेवा करने से सिंधु जितना सुख, समुद्र जितना सुख मिलेगा। परमात्मा की सेवा का अर्थ भी समझ लीजिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि परमात्मा को डोनेशन दे देना, दान दे देना। परमात्मा ने जो कहा है, परमात्मा जो चाहते हैं, भगवद गीता, भागवत, रामायण में भगवान ने जो जो इंस्ट्रक्शन दी है उसका पालन करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। और इससे जो सुख मिलेगा वो सिंधु जितना, समुद्र जितना सुख मिलेगा। हमारी अपनी सेवा करने से, अपनों की सेवा करने से, समाज देश की सेवा करने से बिंदु जितना सुख, और कृष्ण की सेवा करने से सिंधु जितना सुख मिलेगा। इसलिए वास्तव में सुखी होना चाहते हैं तो उस भगवान से कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। दूसरा, आप कहोगे हम कृष्ण की सेवा क्यों करें? एक, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सेवा करना, और सेवा से जो सबसे ज्यादा सुख मिलेगा कृष्ण की सेवा करने से। एक, दूसरा, हम कृष्ण की सेवा क्यों करें? क्योंकि हमारी ये प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे इस शरीर को जन्म किसने दिया? हमारे पेरेंट्स ने। सो हमारे पेरेंट्स की सेवा करना ये हमारी प्रथम जिम्मेदारी है, ये हमारी प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो शरीर को जन्म देने वाले माँ बाप की सेवा जैसे प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे आत्मा को किसने जन्म दिया? परमात्मा ने। इसलिए परमात्मा की सेवा करना ये हमारी प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो परमात्मा की सेवा जिम्मेदारी भी है और उस सेवा से संपूर्ण सुख भी मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर इसलिए आते हैं ताकि इस धरती पर आकर सुंदर लीला करें, उस लीला से लोग आकर्षित हो और आकर्षित होकर कृष्ण की सेवा करें। और कृष्ण की सेवा में जब जीव लगता है तो परम सुख को प्राप्त हो जाता है। नहीं तो इस दुनिया में, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है कि इस दुनिया में जितना भी धन है किसी एक आदमी के नाम पर कर दो, इस दुनिया में जितनी भी अच्छी स्त्रियां हैं उस एक आदमी को दे दो, इस दुनिया में जितनी भी अच्छी रेस्टोरेंट है उस सब का मालिक उसे बना दो, खाना पीना जो भी जिस किसी के पीछे आदमी पड़ा है सब कुछ उसे दे दो और फिर उसे पूछो कि भाई आप सुखी हो, वो आदमी यही कहेगा नहीं अभी भी कुछ कमी है। क्यों? वो कमी किस बात की है? जीवात्मा का स्वभाव है सेवा करना। जब तक वो कृष्ण सेवा नहीं करेगा दुनिया का सब कुछ मिल जाएगा फिर भी वो संतुष्ट नहीं होगा। और दूसरी ओर झोपड़ी में रहने वाला आदमी, उसके पास न धन है न वस्त्र है न माल मकान कुछ नहीं है, लेकिन कृष्ण की भक्ति करता है, प्रभु का भजन, प्रभु की सेवा करता है, तो वह आठों पहर आनंद में रहता है। सिकंदर का नाम आपने सुना होगा, ऐसा वर्णन है कि सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के लिए चला। किसी ने कहा था, सिकंदर जब तू भारत में जाएगा ना तो भारत के किसी संत किसी साधु को मिलना। सिकंदर पूरे भारत को लूटकर वापस लौट रहा था, उसे वो बात याद आई, सोचा कि भारत के साधु से मिलकर जाऊं। हमारे वहां गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में अनेकों साधु भजन करते हैं। ऐसा ही एक साधु मार्ग पर बैठा था, वहीं पर खाना वहीं पर सोना भजन करना। सिकंदर अपने रथ से नीचे उतरा और साधु को कहा,
मुझे किसी ने कहा था आपसे मिलने के लिए। साधु ने कहा तू कौन? बोले मुझे नहीं जानते, मैं सिकंदर द ग्रेट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत कर जा रहा हूं। साधु ने इतना ही कहा, दुनिया को जीत रहा है क्यों? सिकंदर तू पूरी दुनिया को जीत कर क्या करेगा? सिकंदर थोड़ी देर तो सिर खुजाने लगा, यार दुनिया को जीत कर क्या करूंगा। सिकंदर ने कहा एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। भारत के साधु ने कहा घर बना के क्या करेगा? बोले उस घर में अच्छे अच्छे नल फिटिंग कराऊंगा, बेडरूम बनाऊंगा, बहुत अच्छा बेड बनाऊंगा, फिर क्या करेगा? फिर आराम से सोऊंगा। साधु ने कहा अल्टीमेटली सोने के लिए ही ये सब कर रहा है ना, तो मैं यहां पर आराम से सो रहा हूं, सो जा मेरे बाजू में, डाल दे अपना बिस्तर मेरे बाजू में, क्यों इतनी मगजमारी कर रहा है? प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? आदमी सुख तो खोज रहा है, आदमी सुखी होना तो चाहता है, लेकिन सुख कहां मिलेगा ये नहीं जानता है। हमारे वहां एक पशु है कस्तूरी मृग, जानते ना आप, मृग कस्तूरी मृग बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है, उसे एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है और वह सुगंध के पीछे दौड़ता है, यहां सुगंध मिलेगी, यहां मिलेगी, यहां मिलेगी, यहां वहां परेशान, और दौड़ते दौड़ते भागते 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 वह अपना प्राण छोड़ देता है, मर जाता है। एक्चुअली वह सुगंध कहीं बाहर से नहीं आ रही, उनकी नाभि में से ही आती है, लेकिन मरते दम तक वो समझ नहीं पाता कि जिस सुगंध को मैं यहां वहां खोज रहा हूं वह सुगंध संसार में, संसार की वस्तु और व्यक्ति में नहीं, वह सुगंध तो मेरे अंदर परमात्मा की सेवा में ही है, नहीं जान पाता है। सो वास्तविक सुख आनंद प्रभु की सेवा में है। सो प्रभु की सेवा ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा कर्तव्य है, और सच्चा आनंद भी प्रभु की सेवा में है, और वह सेवा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आते हैं। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, लगभग 6 दिन के हुए। कृष्ण की उम्र कितनी थी? 6 दिन की। हमारे वहां जन्म के 6ठे दिन छठी पूजा होती है, विधाता के लेख लिखे जाते हैं। सो अब क्या हुआ, नंद बाबा ने सोचा कि मेरे घर पर लाला का जन्म हुआ है, और वैसे नंद बाबा ब्रज के राजा थे, लेकिन चक्रवर्ती राजा कंस था, इसलिए गांव के राजा को जो गांव के ऊपर होता है उसको टैक्स देना पड़ता था। नंद बाबा ने सोचा मेरे घर पर लाला का जन्म हुआ है, कंस के अनुचर मेरे गोकुल में टैक्स लेने को आए और उसको पता चल जाएगा कि मेरे घर पर लाला का जन्म हुआ है, तो कंस को लगेगा कि ये वसुदेव का बेटा है और वो लेकर चला जाएगा, उससे अच्छा है कि हम लोग ही सामने से कंस को टैक्स देकर आ जाए। सो नंद बाबा ब्रज के अनेकों गोपों को लेकर मथुरा में कंस को टैक्स देने जाते हैं, दूध दही माखन जो भी उनके पास था वो निवेदन करने। कंस को टैक्स देकर नंद बाबा ने सोचा कि मैं वसुदेव जी से मिलकर जाऊं, नंद और वसुदेव मित्र थे। वसुदेव जी ने सोचा कि नंद बाबा मथुरा में आए हैं तो मुझे मिलकर ही जाएंगे, और यदि वो मुझे मिलने आएंगे तो कंस के लोगों को पता चल जाएगा, हमारी चर्चा पता चल जाएगी, इसलिए वेश बदल कर वसुदेव नंद बाबा को मिलते हैं। अब वसुदेव डायरेक्टली तो नहीं पूछ सकते हैं मेरा लाला कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है, इसलिए इनडायरेक्टली वसुदेव नंद बाबा को कहते हैं कि बाबा आपके वहां गैया तो सब ठीक है ना, गाय के लिए घास तो ठीक से मिल रहा है ना, गाय ठीक से दूध तो दे रही है ना,
क्योंकि गाय यदि सुरक्षित होगी, दूध देती होगी, तो मेरा लाला भी दूध दही माखन खाता होगा, वो भी मजे में होगा। सो इस प्रकार से चर्चा होती। और बात ही बात में नंद बाबा ने कहा कि मेरी इच्छा है कि आज की रात में यहीं पर रुक जाऊं, मथुरा में ही रुक जाऊं। तब वसुदेव जी ने कहा कि बाबा आप मथुरा में मत रुकिएगा, हो न हो मेरे मन में कुछ ऐसी धकधकी हो रही है कि वहां गोकुल में कुछ गड़बड़ है, कुछ लोगों को अंदेशा हो जाता है। भगवान की कुछ विशेष कृपा, और जिसका हृदय पवित्र होता है उसे भविष्य का अंदेशा हो जाता है। वसुदेव जी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि गोकुल में कुछ गड़बड़ है, आप यहां मत रुकिए, आप अभी तुरंत चले जाइए। सो नंद बाबा रात को ही मथुरा से गोकुल जाने के लिए निकल गए। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के छठे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नंद पथी, नंद बाबा मार्ग में हैं, बैलगाड़ी के ऊपर बैठे हैं, वचन शोरे, शूरसेन के पुत्र वसुदेव के वचन को याद कर करके विचिंतयन, वो चिंता कर रहे हैं मेरे लाला का क्या हुआ होगा, वहां पर कन्हैया को क्या हुआ होगा, कौन राक्षस आया होगा। नंद पथी वच शोरे न मृषेति विचिंतयन, हरिम जगाम शरणम उत्पात आगम शंकिता। नंद बाबा को नींद नहीं आ रही, कभी जब की आते तो जग जाते हैं, मन में चिंता टेंशन। देखो इस प्रकार की चिंता कभी कभी हमको भी होती है, हमारे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, हमारा क्या होगा, भविष्य का क्या होगा। लेकिन नंद बाबा से सीखना चाहिए। इस श्लोक में लिखा नंद पति वच शोरे नम ऋषेति विचिंतयन, जब उनको बहुत चिंता होने लगी तो नंद बाबा ने क्या किया, हरिम जगाम शरणम, वो मन ही मन हरि का स्मरण किए, प्रभु का स्मरण किए कि हे हरि, आप तो अपने भक्तों के कष्ट को हरने वाले हो, भक्तों की चिंता को हरने वाले, मंगल भवन अमंगल हारी है, तो आप हमारा ध्यान रखिएगा। हमें भी जीवन में जब चिंता हो तो चिंता के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, प्रभु के चिंतन के ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे ही प्रभु का चिंतन करने लगेंगे चिंता कई दूर चली जाएगी, और प्रभु का चिंतन जैसे ही बंद हुआ चिंता शुरू। अब देखो जिसका मन कथा में लगा है ना, उसे किसी की चिंता नहीं, किसी के बाप की चिंता नहीं है, लेकिन जैसे ही कथा समाप्त होगी दरवाजे से बाहर जाएंगे सारी चिंता शुरू हो जाएगी। पहले तो गाड़ी कहां पार्क की वही चिंता शुरू हो जाएगी, कैसे जाएंगे, कहां जाएंगे, ये है वो है, कितनी सारी चिंता। लेकिन जब तक चिंतन है तब तक कोई चिंता नहीं। वसुदेव जी चिंतन। तब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं सुनाएगा, परीक्षित महाराज सुखदेव को कहते हैं कि क्या एक्चुअल वास्तव में गोकुल में कोई प्रॉब्लम थी। सुखदेव जी कहते हैं हां थी। क्या प्रॉब्लम थी? कंस को जब पता चला कि मेरा काल देवकी के आठवें पुत्र का जन्म हो चुका है, तो कंस ने एक राक्षसी को भेजा, किसको, पूतना को, और कहा कि पूतना तुम वेश बदलना जानती हो, गोपी का वेश बदलकर गोपी का रूप लेकर ब्रज में जाओ, और जितने 15 दिन तक जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चों को मार दो। सो वह पूतना ब्रज में विचरण कर रही थी, घोर स्वभाव वाली, बच्चों को खा जाती, उसका मांस रुधिर पी जाती, और ऐसी पूतना ब्रज में घूम रही थी। जब इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने कहा ना, तो परीक्षित महाराज टेंशन में आ गए हैं। परीक्षित महाराज हमारे जैसे श्रोता नहीं थे, परीक्षित महाराज जब कथा सुनते थे तो कथा में प्रविष्ट हो जाते थे। परीक्षित महाराज जब कथा सुनते थे तो उनको लगता था कि वास्तविक वर्तमान में ही ये घटना घट रही है,
मतलब अभी अभी ये सब कुछ चल रहा है, बड़ी चिंता में आ गए परीक्षित कि अब क्या होगा, कन्हैया का क्या होगा, 6 दिन का लड़का है, कहीं पूतना उसको मार न दे। जब परीक्षित महाराज के चेहरे पर चिंता देखी तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित चिंता मत करो, यद्यपि गोकुल में राक्षसी आ चुकी है लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान वहां पर उपस्थित है। अरे भगवान छोड़ो, न यत्र श्रवणादीनि रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वताम भर्तु यातु धान्यस्य तत्र ही। भगवान छोड़ो, जिस स्थान पर भगवान का नाम लिया जाता है, जिस स्थान पर भगवान का कीर्तन किया जाता है, कथा सुनी जाती है, वहां पर कोई राक्षसी शक्ति आ नहीं सकती, वहां कोई मायावी शक्ति नहीं आ सकती। कहां पर? जहां भगवान का नाम लिया जाता है। जहां भगवान का नाम लेते हैं वहां कोई राक्षसी शक्ति नहीं आ सकती। और गोकुल में तो साक्षात भगवान खड़े हैं, स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, वो राक्षसी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिल्कुल सत्य बात है। यहां शहरों में तो राक्षसी शक्ति नहीं होती क्योंकि यहां तो राक्षस भी आने से डरते हैं, खास करके ये सब गांव में होता है। अरे गांव में होता है ना कि उस पेड़ के नीचे मत जाना, वहां भूत होता है। शहरों में तो कहां भूत होते हैं, शहरों में तो ये शहरी लोग भूत से भी ज्यादा डेंजर हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये भूत लोग आपस में बात करते होंगे, भूत के भी बच्चे होते होंगे ना, तो भूत पेरेंट्स भूत अपने बच्चों को कहते होंगे बेटा वहां मत जाना, क्यों? वहां आदमी होता है, वहां मनुष्य होता है। लेकिन कई बार हमें तो गुजरात के गांव में, राजस्थान के गांव में बहुत बार हम कथा किए हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं, किसी के शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया होता है और बहुत कुछ। मैं मेरे जीवन की एक घटना सुनाऊं, शुरू शुरू में लगभग ये 25वीं कथा होगी, शुरू शुरू की बात है, 15-20 साल पहले की बात। तो पहले तो क्या था कि जब भी कोई कथा का निमंत्रण देता, कौन निमंत्रण दे रहा है, कहां से दे रहा है, क्यों दे रहा है, कुछ नहीं, कथा का निमंत्रण आता हम चले जाते। अभी तो बहुत कुछ स्केड्यूल होता है, बहुत कुछ देखते हैं शुरू शुरू में। तो राजस्थान से 2 कथा का निमंत्रण आया, ध्यान से सुनिएगा, जीवन की घटना है। और उन दिनों मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मैंने मेरी पत्नी राधिका को कहा, बच्चे नहीं थे, राधिका को कहा कि चलो मेरे साथ कथा में जा रहे हैं, तो तुम भी, वो भी आई। तो राजस्थान में जो पहला गांव था नरवर, वहां पर मेरी कथा थी, मैं कथा कर रहा था। मुझे आज भी याद है मैंने समुद्र मंथन की कथा की थी। कथा के 5वें दिन, राजस्थान में ही दूसरी कथा थी, तो दूसरी कथा वाला जो आयोजक था यजमान, वो मुझे मिलने को आया। खोजते खोजते लाल गोविंद प्रभु कहां पर कहां पर, तो हमारे जो सेवक थे उन्होंने कहा हमें बोलो क्या बात क्या है। बोले नहीं, मुझे लाल गोविंद प्रभु से ही मिलना है और एकांत में मिलना है। मैं जहां पर रुका था वहां पर आया, मेरे साथ 2-3 लोग तो होते ही। बोले नहीं, तुम अकेले, मैं आपसे एक सीक्रेट बात करना चाहता हूं। दरवाजा किया बंद, वो देखने में ही भूत जैसा लग रहा था। अब देखो वो मुझे क्या कहता है, मेरे ऊपर क्या बीती होगी। हमने अब जो इसके बाद वाली कथा का जो आयोजन किया है वो मनुष्य के लिए नहीं किया है। मैं मन में सोचूं, मैं कारीगर तो आदमी का ही हूं, ये किसके लिए मुझे बुला रहा है। अच्छा तो किसके लिए आपने किया? बोले हमारे गांव में अनेकों लोग आत्महत्या करके मर गए हैं। हमारे गांव में एक कुआ है और उस कुएं में अनेकों लोग गिरकर आत्महत्या कर लिए हैं और उन सब की आत्मा हमारे गांव में भटक रही है, तो उन आत्माओं के लिए हमने आपकी कथा का आयोजन किया है। सो आप
आइए कथा में और उन आत्माओं को कथा सुनाइए और उनको शांत कीजिए। तो मैं डिस्कशन कर रहा था, राधिका सुन रही थी और वो कहकर चला गया। राधिका ने कहा भाई मैं, आप जाना जाओ आगे की कथा में, मैं मुंबई वापस जा रही हूँ, आत्माओं को आप सुनाना। मैंने कहा उसमें क्या चिंता करने की, उस समय हम 25 लोगों की टीम लेकर जाते थे, सब लोग साथ में, अब तो मैं अकेला ही जाता हूँ। मैंने कहा सब लोग साथ में हैं, सब लोग साथ में रहेंगे, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं। तो जैसे तैसे मैंने इसको मना लिया। दो दिन खत्म हुए, दूसरी कथा, उन्होंने दो कार भेजी, एक बड़ी टेम्पो ट्रैवलर थी जिसमें पूरी टीम के लोग बैठे और जो एक छोटी कार थी उसमें मैं और राधिका बैठे, और कार जा रही है दूसरे गांव में कथा के लिए। अब जब गांव आया तो वो टेम्पो ट्रैवलर जो था वो राइट में लिया, हमारी गाड़ी लेफ्ट में चली गई। मैंने कहा देखो देखो हम सब लोग साथ में हैं। नहीं नहीं, उनका उतारा जो है वो कथा मंडप के बाजू में है, हम आपको कहीं और रखने वाले हैं। अभी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम अब शुरू हुआ। 10 किलोमीटर दूर पूरे वीरान जंगल में लेकर गए, और उस वीरान जंगल में एक हवेली थी जिसमें कोई नहीं रहता था। कई दिनों के बाद उस हवेली के दरवाजे खुले और उसमें मुझे लेकर गए, आपका उतारा यहां पर है। मैंने कहा हमारी टीम, बोले वो वहां रहेगी, आप यहां रहोगे। हम भी तो वक्ता है, अंदर से डर रहे थे, बाहर से थोड़ी कहेंगे कि हम डर रहे हैं, फिर भी हम थोड़े शांत। फिर वो मुझे कहते हैं आओ आपका कमरा दिखाता हूँ, कमरा दिखा, फिर आओ टेरेस, छत पर लेकर गए, छत पर लेकर गए, और उस हवेली में ही कुआं था। बोले इसी कुएं में सब लोग आत्महत्या करके मरे हैं। अब मेरा हार्ट बीट थोड़ा सा तेज होने लगा, इसी कुएं में। आपको 3 टाइम का भोजन टिफिन यहां पर आ जाएगा और महाराज आप यहीं पर रहोगे, ऐसा करके वो घर से निकलने लगा और उस हवेली में हम अकेले। और जाते जाते क्या कहता है कि महाराज जी रोज रात को इस हवेली में सारी आत्माएं आती हैं, तो आप उन आत्माओं को संभाल लीजिएगा। इतना कह के चला गया, चला गया। और उस वीरान हवेली में अब मैं डरता हूं, लेकिन पत्नी को, नई नई पत्नी को थोड़ी कह सकता हूं कि मैं डर रहा हूं। मैंने कहा तू डरना मत, मैं हूं ना, एक काम कर, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दे। सारे दरवाजे खिड़की सब बंद कर दिया। अब वीरान और राजस्थान था, इतनी तेज हवा आ रही थी, हमने तो हॉरर मूवी में ही देखा था, सुना था। उस दिन हमने हमारी आंखों से देखा सुना, जब तेज हवा आती है और खिड़की में से थोड़ी सी तिराड़ होती है ना, और वहां से हवा का धक्का लगता है, ऐसा ओरिजिनल आवाज हमने सुना। वो हवा का प्रेशर, हवा की प्रेशर से जो आवाज बनती है। अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता था, नरसिंह आरती। नमस्ते नरसिंह आय, हमने शुरू किया, लेकिन नरसिंह आरती भी कितनी चलती है हरिदास प्रभु, 5 मिनट में खत्म हो जाती है, हमको तो पूरी रात निकालनी है। जैसे तैसे पूरी रात निकली, और सुबह वो लोग आए टिफिन लेकर, बोले महाराज जी आत्माओं के साथ सब चर्चा हुई। मैंने कहा तुम्हारी आत्मा बहुत परेशान कर रही है, रात भर कथा हुई हमारी। फिर तो कथा शुरू हुई, धीरे धीरे 7 दिन बीत गए और जैसे तैसे कथा समाप्त हुई, हम मुंबई आए। फिर उसका फोन आया कि महाराज दो आश्चर्य हुआ हमारे गांव में। एक, 24 साल से राजस्थान में जितनी बारिश नहीं हुई, कथा के बाद 24 साल के बाद इतनी भरपूर मात्रा में बारिश हुई। और दूसरा, हमारे गांव में जितनी भी आत्माएं थी, अब वो आत्मा शांत हो गई, सबको सताना बंद कर दिया, और गांव वालों ने सोचा है कि अब हर साल आपको बुलाएंगे। मैं गुजराती में कीधु तारे त्या आवे ही बीजो, एक बार आत्मा ने हमला भी दी, फिर वो गया सो गया। फिर मैं कभी आत्माओं के लिए नहीं किया,
लेकिन एक बात, भागवत के इन सिद्धांतों को मैंने मेरे जीवन में मेरे सामने देखा कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जहां पर कृष्ण की कथा होती है, जहां कृष्ण का नाम होता है, जहां कृष्ण का कीर्तन होता है, वहां कोई आत्मा का साया नहीं होता, वहां कोई आत्मा का प्रभाव नहीं होता, वहां आत्मा कोसों दूर होती। और यदि आत्मा प्रेत कुछ है तो उसका भी उद्धार हो जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के भक्त भगवान से भीख मांगते हैं, प्रभु प्रभु हमें दूसरा जन्म यदि चींटी का देना हो, कीड़े मकोड़े का देना हो, कोई बात नहीं, लेकिन चींटी भी बने, कीड़े मकोड़े भी बने ना, किसी भक्त के घर पर बने, ताकि वह भक्त कीर्तन करेगा और उनका कीर्तन सुनकर हम लोग धन्य हो जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी उस कथा को कंटिन्यू करते हैं कि बोले, हाँ पूतना आई थी, एक राक्षसी कृष्ण को मारने के लिए आई, अपने स्तन पर कालकुट नाम का विष लगाकर आई और गोपी का रूप लेकर आई। सुंदर गोपी ड्रेस पहना था, गोपियों की तरह श्रृंगार किया था और सीधे वह पूतना गोकुल में चलते हुए नंद बाबा के घर पर पहुंची है। ब्रजवासियों ने जब पूतना को देखा ना, श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, ब्रजवासियों को लगा के ओ हो साक्षात लक्ष्मी लग रही है, ये तो लक्ष्मी है लक्ष्मी, और ये लक्ष्मी लगता है नारायण को मिलने जा रही है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कहां वो ब्रजवासी भगवान के प्रेमी शुद्ध भक्त, पूतना जैसी राक्षसी भी उसको लक्ष्मी दिखाई दे रही है, और कहां हम लोग, हमारे बाजू में लक्ष्मी बैठी हो तो हमें लगता है ये राक्षसी कहां से आ गई है? हम लक्ष्मी को भी राक्षसी मानते हैं और वो राक्षसी को लक्ष्मी मानते हैं। देखने देखने का नजरिया होता है भक्तों। बात आई, इसलिए एक सिद्धांत बताकर आगे बढ़ूं। इस दुनिया में यदि आपको किसी में दोष दिखाई दे, यदि आपको किसी में कोई मिस्टेक, कोई कमी, कोई दोष दिखाई दे, तो समझो वो कमी, वो मिस्टेक, वो दोष आप में है। सबसे पहला इलाज आपको अपना करा लेना चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर दोष होता है वही दूसरों में दोष देखता है। ये हम सब के लिए, इवन मेरे लिए भी है, यदि हमको किसी में दोष दिखाई दिया तो समझो वो दोष हमारे अंदर है। और जो व्यक्ति पूर्ण है, जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, उसको संसार में कोई दोष दिखाई नहीं देता। सर्वभूतेषु यो पश्येत भगवत भावम आत्मनः, जो पूर्ण होता है, शुद्ध होता है, उसे तो सब पूर्ण दिखाई देता है, और जो अधूरा होता है ना, उसे सब अधूरे दिखाई देते हैं। कोई आदमी कहे, ये पर्दा क्यों पीला है, ये दीवाल क्यों पीली है, तुम क्यों पीले लग रहे हो, अरे ये सब पीला नहीं, तूने पीला चश्मा पहना है, तू चश्मा उतार के देख है? जगत पीला लग रहा है, दोष जगत का नहीं, अपनी आंखों का है, अपनी दृष्टि का है। इसलिए दूसरों में दोष देखने से पहले अपने गिरिबान में जाकर देखना चाहिए। ब्रजवासियों को लगा कि साक्षात लक्ष्मी आ रही है, और वो पूतना सीधे यशोदा मैया के घर पर पहुंची, और उस समय यशोदा और माता रोहिणी कृष्ण को पालने में झुला रही थी, बहुत सुंदर कृष्ण की सेवा कर रही थी, और पूतना आई और पूतना ने हंसते हुए प्रेम से कहा कि माँ, मैं थोड़ी देर झुलाऊं कृष्ण को। यशोदा रोहिणी ने देखा कि वैसे भी भोजन बनाने का समय हो गया, तो वो किचन में चली गई, बोले हाँ झुलाओ कोई बात नहीं। यशोदा रोहिणी किचन में, और अब पूतना धीरे 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 कृष्ण के पास आ रही है। कृष्ण ने दूर से देख लिया, मौसी आ रही है, मासी बा आवे छे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तम उन मिलिंतम नेत्रम, पूतना को देखकर कृष्ण ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अच्छा,
पूतना को देखकर कन्हैया ने अपनी दोनों आंखें क्यों बंद की? यद्यपि कन्हैया 6 दिन का है, हैं? लेकिन इसकी सोच देखो, कृष्ण सोचता है कि मैं आया हूं असुरों को मारने के लिए, ओके, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, असुरों को मारने के लिए, लेकिन असुरों को मारने का ओपनिंग किसी स्त्री से करना ठीक नहीं है। किसी स्त्री को मारना ये कोई मर्दानी थोड़ी है, मर्दानगी नहीं है। वहां राम अवतार में भी पहले मैंने ताड़का को मारा। राम अवतार में राम जी ने सबसे पहले मुहूर्त कहां से किया? ताड़का से। और यहां भी ये पूतना आई, कृष्ण आंखें बंद कर लिए ताकि ये वापस चली जाए, लेकिन ये थोड़ी वापस जाने के लिए आई थी। कृष्ण ने पूतना को देखकर अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। इसका दूसरा कारण, कृष्ण ने देखा कि पूतना अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर आई है, जो कृष्ण को पिलाकर उसे मार देना चाहती है। सो कृष्ण आंखें बंद कर रहे, इसका कारण यह है, आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, भोलेनाथ, ये पूतना अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर आई है मुझे खिलाने के लिए, लेकिन मैं तो दूध दही माखन खाने वाला आदमी, ये विष पीने की प्रैक्टिस आपको है। वहां समुद्र मंथन में आपने पिया था तो आपको प्रैक्टिस है, तो शिव जी आप यहां पर आइए, आपके लायक भोजन आया है, इस भोजन को आप ग्रहण कीजिए महाराज। यह सोचकर कृष्ण अपनी आंखें बंद कर, भागवत तो भागवत है ना, एक एक चेष्टाओं को भागवत में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। इसको केवल 7 दिन में हम पूर्ण रूप से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसके लिए तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाए। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने सुबोधिनी में कितना वर्णन किया है, हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में कितना विस्तार से वर्णन किया है। हम लोग समय की मर्यादा में बंधे हैं, इसलिए हम संक्षिप्त में ही इसे सुने, नहीं तो जब मैं केवल पूतना मोक्ष की कथा करता हूं तो कृष्ण के आंखें बंद करने के 22 कारण है, उसमें ही 1.5 घंटा चला जाता है। कृष्ण ने आंखें बंद क्यों की, इसके 20-22 कारण है, लेकिन एक अंतिम कारण बता दूं। कृष्ण ने सोचा कि ये पूतना आई है मुझे विष पिलाने के लिए, कि देखो बाहर का नहीं खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना, बाहर का खाओगे तो रोग हो जाएगा, है ना, तो ये पूतना मुझे बाहर का खिलाने आई है, अब ये मुझे जबरदस्ती बाहर का खिलाएगी, मुझे रोग हो जाएगा, और कितना भी बड़ा रोग दवाई से ठीक न हो तो रामदेव बाबा के योग से तो ठीक हो ही जाता है, तो रोग हो उसके पहले ही थोड़ा सा योग कर ले तो रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा, ताकि वो रोग मुझे टच नहीं कर पाएगा। यह सोचकर कृष्ण कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, लगभग सब लोग ट्राई कर चुके हैं, पर कहीं मेल पड़ो नहीं आपड़ो एमा। लेकिन यह योगा करने के लिए आप सब जानते हैं आंखें बंद करनी पड़ती हैं। सो कृष्ण आंखें बंद करके योग करने लगे हैं। इस प्रकार पूतना धीरे 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 कृष्ण के पास आ रही है। कृष्ण ने प्रयास किया कि यह चली जाए, लेकिन वापस जाने वाली है नहीं। अब पूतना वैसे करते 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 बिल्कुल कृष्ण के पास आ गई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे राख से ढके हुआ कोई अंगारा, ये तो गांव में रहने वाले जानते हैं, कभी चूल्हे में भोजन पकाया हो तो पता है, चूल्हे में जब डालते हैं लकड़ी फिर उसके अंगारे हो जाते हैं, फिर वो अंगारे राख से ढक जाए तो ऐसे नॉर्मली लगता है कि ये कुछ नहीं है, लेकिन जब वो हाथ में लेते हैं तब पता चलता है कि ऊपर से राख है, अंदर से तो लाल लाल अंगारा है।
जैसे राख से ढका हुआ अंगारा पता नहीं चलता लेकिन हाथ में लेते ही हाथ जल जाता है, वैसे बाल्य रूप धारण किए हुए भगवान को पूतना पहचान नहीं पाई। पूतना को लगा कि ये साधारण बालक है, लेकिन ये बालक नहीं, ये पूतना के काल का भी काल है, ये महाकाल है, ये विकराल है। और पूतना ने कृष्ण को अपने हाथों में उठा लिया, कृष्ण को हाथों में उठाया और जो स्तन पर विष लगाकर आई थी, भयंकर विष था, विष लगाकर आई थी, वो कृष्ण के मुख में रख दिया। अब एक पॉइंट देखिए, हमारे कृष्ण जो है ना बड़े रसिक है, इस कृष्ण को आप कुछ भी दो वो स्वीकार कर लेते हैं, कन्हैया सबका स्वीकार करते हैं, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, इसलिए तो इसको पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं ना। वैसे तो विष्णु भी भगवान है, राम भी भगवान है, नरसिंह वामन वरा ये सब भगवान ही है, लेकिन इन सब अवतारों में कृष्ण जो है पूर्ण भगवान है। क्यों? क्योंकि अन्य अवतारों में भगवान सबका सब कुछ ग्रहण नहीं करते, ये कन्हैया ऐसा है जो सबके भावों को ग्रहण कर लेता है। आप देखो वो अपने त्या राम अवतार में पेली सूरपणखा आई थी ना, बिचारी वाकी वड़ी गई, ऊंधी वड़ी गई, मारी साथे लगन करो लगन करो, रामे लगन न कह रहा। राम कहते हैं कि मेरा तो व्रत है, एक पत्नी एक वचन एक बाण, पर मेरी शादी हो चुकी है, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण राम के पास भेजते हैं, राम लक्ष्मण के पास भेजते हैं, अंत में उस सूरपण खा के नाक और कान काट दिए लेकिन शादी नहीं किए। अब वहां पर राम के बदले कृष्ण होते तो नहीं? नहीं, आप सोचिए, वहां कृष्ण होते और सूरपणखा कहती शादी करो, कृष्ण कहते सूरपणखा तू भी आ जा, तेरी बहन को भी लेकर आ जा और तेरी सखी मंडली जो भी है सबको ला, क्योंकि राम मर्यादा में है, मैं थोड़ी ना मर्यादा में हूं, यहां तो कोई लिमिट नहीं है, यहां तो सबके भाव स्वीकारनीय है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, नरसिंह भगवान वात्सल्य पुरुषोत्तम है, लेकिन कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। वो दास के रूप में भी हमें स्वीकार कर सकते हैं, वात्सल्य भी स्वीकारते हैं, साख्य भी स्वीकार करते हैं, माधुर्य भी स्वीकार करते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम। सो इस प्रकार कृष्ण पूतना कृष्ण को वह विष वाला दूध पिलाने लगी और कृष्ण वह दूध पीने लगे। अब कृष्ण पूतना का दूध पीने लगे, सारा दूध पी गए और अब पूतना का प्राण पीने लगे। जैसे ही प्राण पीने लगे पूतना छटपटाने लगी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच 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 इति प्रभाषिणी निष्पीड्य माना खिल जीव मर्मणी। पूतना के आठों अंग कांपने लगे, टूटने लगे और कृष्ण पूतना के प्राण पीने लगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद वल्लभाचार्य सुबोधिनी में लिखते हैं कि पूतना अनेकों बच्चों को मार चुकी थी, ये पूतना अनेकों बालकों के प्राण पी चुकी थी। सो पूतना के अंदर अनेकों बालकों के प्राण थे, कृष्ण पूतना के प्राण पीने लगे, इसका अर्थ क्या है? पूतना के अंदर जो अनेकों बालकों के प्राण हैं उसके अंदर से निकालकर कृष्ण उसको अपने अंदर ले रहे हैं, मानो उन बालकों को मुक्ति प्रदान कर रहे हैं, सबको मुक्त किए जा रहे हैं। सो अब कृष्ण पूतना के प्राण पीने लगे, पूतना छटपटाने लगी, उसके आठों अंग कांपने लगे और पूतना कहती है अरे छोड़ 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 मुझे छोड़। जो पूतना कृष्ण को उठा ली थी, पकड़ रही थी, अब वो कृष्ण को छुड़ा रही है। लेकिन हमारे भगवान का एक स्वभाव है, एक तो ये कृष्ण आसानी से किसी के हाथों में आते नहीं है
और एक बार किसी के हाथों में आ गए तो फिर छोड़ने का नाम नहीं लेता है। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पूतना चिल्ला रही है छोड़ छोड़ छोड़, लेकिन कृष्ण पूतना को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब पूतना को कष्ट होने लगा, वो जो गोपी का रूप लेकर आई थी वो गोपी का रूप संभाल नहीं पाई और राक्षसी रूप प्रकट होने लगा। पूतना का शरीर विकराल होने लगा और कृष्ण को लेकर गोकुल से दौड़ी और चिल्ला रही है अरे छोड़ छोड़ छोड़, और गोकुल की गलियों में दौड़ रही है। भगवान श्री कृष्ण सोचे कि मैं इसे यदि यहां मार दूंगा और हमारे ब्रजवासियों के खेत में गिरेगी, बेचारे की फसल खराब हो जाएगी। तो कृष्ण सोच रहे थे कि हमारे ब्रज में कंस का एक फार्म है जहां कंस बेफाम हो जाता है, और पूतना दौड़ रही है दौड़ते दौड़ते छोड़ छोड़ छोड़। ए कर सर पर सद हरि अमर कर अनुसार, कर पर वर सुर मीर कर हरि हर सुर अवर यवर यति मान वर भर अति हर अलख भरे निरखत नर पवर पर गण निरजर निकट मुकट शिर सवर नमय गण रण पट भरण भरण पर सुंदर रंग भर सुंदर श्याम रमे जिरे रंग भर सुंदर श्याम रमे। ये त्रिभंगी छंद है, आपको तो सर सर सरी समझ में आता होगा, लेकिन रंग भर सुंदर श्याम रमे ये गुजराती छंद है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं इसका वर्णन है। पूतना कृष्ण को लेकर दौड़ रही है, तड़प रही है, छटपटा रही है, चिल्ला रही है छोड़ छोड़ छोड़, और दौड़ते दौड़ते कृष्ण ने देखा कि अब कंस का वो फार्म आ गया, कंस का वो स्थान आ गया। कृष्ण ने पूतना पर अंतिम प्रहार किया, पूतना के प्राण निकल गए और आकाश से जैसे कोई पर्वत गिरे वैसे पूतना धरती पर गिरी, धरती कांप गई और आकाश से देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पूतना गिरी है। अब जानते हैं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूतना गिरी तो कितनी लंबी थी, 22 किलोमीटर लंबा पूतना का शरीर था, 22 किलोमीटर लंबा, वैसा ही हाथ वैसा ही पांव वैसा ही है। और छोटे से कृष्ण पूतना के उस शरीर के ऊपर खेल रहे थे। जैसे तैसे माँ यशोदा दौड़कर आई, दूसरे दिन नंद बाबा आए पूतना के छोटे छोटे टुकड़े करके चिता बनाकर उसको जलाया गया, लेकिन पूतना के शरीर से अगरु की सुगंध आई। अगरु जानते ना, अगरबत्ती में जो सुगंध आते हैं ना वो अगरु होता है, वही सुगंध देती है और उसी से अगरबत्ती नाम पड़ा। तो यहां पर परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि अच्छे से अच्छे आदमी को श्मशान में जलाया जाता है तब भी कितनी दुर्गंध आती है, पुरुषों को पता है। और पूतना तो राक्षसी थी, मदिरा पीती थी, मांस खाती थी, खून पीती थी, तो ऐसी राक्षसी को जलाने पर अगरु की सुगंध, ऐसा क्यों? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, नो डाउट पूतना राक्षसी थी, पापी थी, अपवित्र थी,
लेकिन उस पूतना को कृष्ण ने छू लिया था, कृष्ण ने छू लिया था। और कृष्ण के विषय में भगवत गीता में अर्जुन क्या कहता है, पवित्रम परमम भवान, कृष्ण परम पवित्र है। सो कृष्ण के छूने पर पूतना परम पवित्र हो गई थी, इसलिए पूतना के शरीर से सुगंध आई। हमें और आपको भी यदि भगवान छू ले या हम लोग ठाकुर जी की सेवा करते हुए उन्हें स्पर्श करें तो हम भी पवित्र हो सकते हैं। अब यहां पर एक रहस्य देखिए, सीक्रेट देखिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने भी कहा और इस बात को उद्धव जी ने भी कहा कि कृष्ण ने पूतना को मारा, गिरा दिया। एक्चुअल पूतना को मारा नहीं, देखिए मारा किसे जाता है, मरने के बाद जिसकी दुर्गति हो उसे मारा कहा जाता है। लेकिन पूतना मरने के बाद उसकी गति क्या हुई, कृष्ण ने पूतना को वैकुंठ में भेजा और वैकुंठ में कृष्ण ने पूतना को अपनी मां बना लिया, अपनी माता का स्थान दे दिया। लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोव्यम, पूतना को धात्री की गति, माता की गति प्रदान कर दी। कम वा दयालु, इससे बड़ा दयालु कृपालु भगवान कौन हो सकता है। तब यहां पर परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, कुछ प्रैक्टिकल बात, कि कृष्ण ने पूतना के अंदर ऐसा क्या देखा था कि जिससे कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं तार दिया। इतनी बड़ी राक्षसी कृष्ण को जान से मारने आई थी, है ना, इसका भाव भी अच्छा नहीं था, इसका कार्य भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया। इसके पीछे कारण क्या, तीन कारण ध्यान से सुनिएगा, कथा की पूर्णाहुति है और कथा की पूर्णाहुति के समय जीवन में उतारने लायक तीन बातें। इतनी बड़ी राक्षसी पूतना में कृष्ण ने क्या देखा कि जिससे पूतना को अपनी मां बना लिया, कृष्ण ने पूतना का उद्धार कर दिया। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सबसे पहले कृष्ण ने देखा कि पूतना भले राक्षसी है लेकिन वो जब मेरे पास आई तो उसने गले में कंठी पहनी थी, है ना, गोपी का रूप लेकर आई थी ना, गोपी बनकर आई। सो पूतना ने अपने गले में तुलसी की कंठी धारण की थी, और जो व्यक्ति गले में तुलसी पहनता है कृष्ण उससे बहुत प्रेम करते हैं। एक्चुअली तुलसी के कारण उस आदमी को प्रेम करते हैं। तुलसी बड़ी पवित्र है भक्तों, तुलसी की अपनी महिमा है। हमारे वहां आप सब वैष्णव लोग जानते हैं कि आप कितना भी अच्छा भोग बनाओ, कितना भी अच्छा थाल बनाओ, लेकिन जब तक उसमें तुलसी पत्र नहीं रखोगे भगवान उसे खाने की बात तो दूर रही, उसे देखेंगे भी नहीं, राइट? ठीक उसी प्रकार जैसे बिना तुलसी के भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते, वैसे बिना तुलसी के भगवान अपने भक्त को भी ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हो कि भगवान आपको ग्रहण करे, आपको स्वीकार करे, तो गले में तुलसी की कंठी धारण करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में और अन्य पुराणों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि आप तो यूके में रहते हैं और गंगा यमुना सरस्वती रोज जा नहीं सकते, यदि आपने तुलसी की कंठी गले में धारण की है, आप स्नान करते हो तो स्नान करते समय पहले पानी तुलसी की कंठी को स्पर्श होता है, फिर शरीर को स्पर्श होता है, तुलसी की कंठी को स्पर्श होकर शरीर को पानी स्पर्श होता है, तो भारत के सभी पवित्र नदी, सभी पवित्र कुंड और सरोवर में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। यह है तुलसी। हमारे वहां आदमी जीवन भर तो तुलसी पहनता नहीं, फिर जब वो मर जाता है तो उसकी चिता में तुलसी की लकड़ी डालते हैं, भाई जीते जी पहन लेना यार, तुलसी का इतना बड़ा लकड़ा तू बर्बाद कर रहा है।
है ना, आप लोगों ने देखा होगा हमारी भारत की संस्कृति में, यहाँ तो पता नहीं लेकिन भारत में हर एक व्यक्ति जब मरता है तो पहले तो तुलसी का पौधा खोजता है, फिर उनकी चिता पर तुलसी डालते हैं। मरने के बाद क्या काम में आएगा बताओ, जीते जी तुलसी पहननी चाहिए। आपने सुना होगा रस खान का नाम, सुना रस खान? हमारे भारत में एक मुसलमान भक्त हुए, जन्म हुआ मुसलमान परिवार में, परंतु वो कृष्ण के भक्त थे और उन्होंने बहुत सुंदर पद लिखे, भजन ग्रंथ लिखे। रस खान तुलसी की कंठी पहनते थे और हम वैष्णव लोग तो ये जो तुलसी पहनते ना इसमें 3 राउंड होते हैं, रस खान 200 राउंड पहनते थे, तुलसी ना 200 फेरा मारी देता था गड़ा मा, 200 राउंड की कंठी। और कृष्ण के महान भक्त उसके पद को पढ़ सुनकर सब लोग कृष्ण के भक्त बनते गए। एक दिन दिल्ली के दरबार में उस जहांपना उस राजा ने उसको बुलाया और कहा कि रस खान तुम अपना मजहब छोड़कर, अपना धर्म छोड़कर तुम मुसलमान हो और मुसलमान का धर्म है कुरान पढ़ना, कलमा पढ़ना, अल्लाह को नमाज अदा करना, और ये सब छोड़कर तुम ये कृष्ण का नाम, कृष्ण का भजन करते हो। उसने कहा कि कहां कमी इस्लाम में जो बिसराई आन, तुझे हमारे इस्लाम में ऐसी कौन सी कमी पड़ गई कि अपनी आन बान और शान गवाकर तू कृष्ण की भक्ति करने लगा। उसने कहा कमी इस्लाम में जो बिसराई आन, तब रसखान कहते हैं मन वैरागी हो गयो सुन मुरली की तान, जब से मुरली की तान सुनी है तब से मन वैरागी हो गया है और मैं कुछ जानता नहीं। तब अकबर बादशाह ने कहा कि रसखान तू ये वैष्णव लोग अपने गले में 3 राउंड की कंठी पहनते हैं, तू ये 200-200 राउंड की कंठी क्यों पहन रहा है, वो भी मोटे मोटे तुलसी के मोती। तब रसखान ने इतना ही कहा कि देखो नौका जो होती है ना वो काठ की बनी होती है, यदि छोटा कम सामान यदि ढोना हो समुन्दर में तो छोटी नौका से काम चल जाता है, लेकिन ज्यादा वजन हो तो उसके लिए बड़ी नौका लगती है। तो ये जितने भी हिंदू भाई लोग हैं उनके पाप बहुत कम है, उन सनातन धर्मी हिंदू भाइयों को तारने के लिए 3 राउंड की कंठी काफी है, लेकिन मेरे जैसे पतित पापी को तारने के लिए 200 राउंड की कंठी मुझे पहननी पड़ती है। रस खान तुलसी की कंठी। सो भक्तों, कृष्ण ने भागवत जी में वर्णन है पूतना जैसी राक्षसी का उद्धार किया, क्यों? क्योंकि पूतना ने तुलसी की कंठी धारण की थी। सो हम सबको तुलसी की कंठी धारण करनी चाहिए। तो इसमें से कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चलो कंठी पहनो लेकिन इतनी टाइट क्यों पहनते हैं आप लोग, जो ये गुजराती हो तो एमज के उन्होंने मत तारा बापनू शू जाए छे, कंठी हमारी गळू हमारू, जो प्रश्न है वो जवाब अपाय ने। अने जो ये जिज्ञासा थी पूछता होय प्रेम थी कि कहीं कहने जन ने जानू होय तो हम उसे जवाब दे सकते हैं कि भाई इसे हम कंठी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठी। तो कंठी का अर्थ ही होता है जो कंठ पर धारण करे, ड्यूटी सुधी पेरो एने ड्यूटी कहवाय, कंठी न कहवाय। कंठी ने कंठ ऊपर पेरवानी होय, ये हार थोड़ी ना है, ये कंठी है जिसे कंठ पर, इसे फिलोसॉफिकल पॉइंट है, इसमें अपनी मनमानी नहीं चलती, शास्त्र क्या कहता है। और कंठी को, तुलसी को कंठ पर पहनने का साइंटिफिकल रीजन है। देखिए हम जो भी अनाप शनाप खाते हैं राइट, जब हम खाते हैं तो कंठ को स्पर्श होके अंदर जाता है, यदि गले में कंठी धारण की है तो हम जो भी खाते हैं ये तुलसी की कंठी को टच होकर जाता है, और हम जो भी बोलते हैं तो वो कंठ से होकर आता है।
कंठ से ही शब्द निकलता है, तो कंठी धारण की है तुलसी की कंठी, तो हमारे सारे शब्द तुलसी को स्पर्श होके बाहर निकलता है। कंठ पर कंठी पहनेंगे तो इनपुट भी पवित्र आउटपुट भी पवित्र हो जाएगा, इसलिए कंठ पर पहना जाता है। सो तुलसी की कंठी धारण करनी चाहिए। अंत में एक पॉइंट बता दूं, तुलसी को गले में धारण करने के लिए कुछ नियम है, और नियम इतना ही, जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी पहनना चाहते हैं उसे कभी मांस नहीं खाना चाहिए, मांस से वर्जित रहना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध लगेगा। जो गले में कंठी तुलसी पहनना चाहते, तुलसी की बड़ी महिमा है, आपका कल्याण उद्धार हो जाएगा, लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपको नशा नहीं करना होगा, अन्यथा आप तुलसी पहन सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने पूतना में क्या देखा, जिसे पूतना का उद्धार किया, कृष्ण ने देखा जो भी है, लेकिन तिलक बहुत अच्छा करके आई है। तिलक जो है ना कृष्ण को पसंद, वंदन और चंदन नंद नंदन को बड़े प्रिय है। हम ये जो तिलक करते हैं ना, ये गोपी चंदन द्वारिका में जो गोपी तालाब है जहां पर गोपियों ने अपने प्राण न्योछावर किए, ये उससे बना हुआ चंदन है। सो गोपी चंदन से ऊर्ध्व पुंड, ये जो यू रेखा है ये भगवान विष्णु के चरण है, और नीचे जो है वह तुलसी है। तो शास्त्र के, ये कोई कंपनी का लोगो नहीं है, है? ये कोई है, ये कोई मार्केट का कंपनी का, ये शास्त्र में लिखा है कि तिलक जो है ऊर्ध्व पुंड होना चाहिए, माने यू माने भगवान विष्णु के चरण, नीचे तुलसी जी। सो कृष्ण ने पूतना के कंठ में तुलसी देखी, बाल में तिलक देखा, और तीसरा कृष्ण ने सोचा कि चलो राक्षसी है, नो प्रॉब्लम, मुझे मारने के लिए आई है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आई तो है मेरे पास, चलो जैसे भी वो मेरे पास आई है ना, मेरे दरबार में आई है, जिस किसी भी भाव से, भाव कुभाव अनख आलस हूं, जैसे तैसे वो चलकर मेरे पास आई है, मेरे दरबार में यदि कोई आ जाता है तो मैं उसका उद्धार करता हूं। इससे हमें क्या सीख मिलती है, जीवन में समय निकाल कर प्रभु के दरबार में जाना चाहिए, चाहे भाव हो या ना हो, प्रेम हो या ना हो। पूतना तो कृष्ण को मारना चाहती थी, हम इतने तो बड़े दुश्मन नहीं है ना भगवान के, हमारा भाव इतना आतंकी तो नहीं है, तो हम जब भगवान के दरबार में जाते हैं सो भगवान को, भगवान यही कंसीडर करते हैं कि ये मेरा आदमी है। सो किसी भी भाव से हमें भगवान के दरबार में जाना, यहाँ बहुत सुंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर है, यहाँ पर आना चाहिए। सो इस प्रकार से कृष्ण ने पूतना के अंदर ये तीन वस्तु देखी, पूतना को अपनी माँ बना लिया। और अब धीरे 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 भगवान श्री कृष्ण बड़े हो रहे हैं, 3 महीने के हुए, शक्टासुर का वध कर दिया। कृष्ण 2 साल के हुए, तृणावर्त का वध कर दिया। और धीरे धीरे कृष्ण चलना सीख गए, और कृष्ण जब चलना सीखे ना, तो उसकी सबसे बड़ी और सबसे मधुर लीला क्या हुई, माखन चोरी। करोड़ों ब्रह्मांड का नाथ ब्रज में क्या कर रहा है, माखन चुरा रहा है। कृष्ण माखन चुराते थे, किसी गोपी के घर पर गए, माखन चुराए, गोपियां यशोदा को कंप्लेंट करती थी, शिकायत करती थी, यशोदा विश्वास ही नहीं करती, मेरा लड़का माखन चुराएगा, हमारे पास माखन की कमी है, 9 लाख गाय, उसका दूध, उसका माखन, क्यों माखन चुराएगा। तो यशोदा गोपियों की बात मानती नहीं थी। एक दिन कृष्ण किसी गोपी के घर पर माखन की चोरी करने गए, और गोपी ने रंगे हाथ पकड़ लिया, तेरी माँ मानती नहीं है ना। कृष्ण का मुंह भी माखन वाला बिगड़ा था, हाथ भी माखन वाला बिगड़ा था, कस कर हाथ पकड़ा और चल, आज तो मैं शिकायत करूंगी, आज तो तुझे पिटवाऊंगी।
और गोपी चिल्लाते हुए कृष्ण का हाथ कसकर पकड़कर यशोदा के घर पर लेकर जा रही है। कृष्ण छुड़ाने का प्रयास कर रहे, छोड़ नहीं रही है। चलते चलते गामना पादरे पहुंची। हालो को हिंदी में पादर ने शू कह, गांव के चौराहे पर पहुंची और गांव के चौराहे पर उस गोपी के ससुर जी बैठे थे और पत्ता खेल रहे थे। और गोपी ने देखा मेरे ससुर जी बैठे हैं। नरसिंह मेहता का भजन याद आया, साकड़ी शेरी मां मारा ससरा जी मलिया मने लाजू लाजू काढ़ानी घणी हाम। आ लाजू तो कया खटारा में बेसिन क्या वही गई मने खबर नहीं पड़ी। एक जमाना था लाज काटते थे, कम से कम माथे पर ओढ़ते थे, ये मर्यादा होती थी। अब तो ये मर्यादा कहाँ चली गई। जितनी मर्यादा में रहते हैं उतना उतनी धर्म की रक्षा होती है, संस्कृति की रक्षा होती है, संस्कार की रक्षा होती है, लेकिन प्रगति के नाम पर ये सब कुछ छूटा जा रहा है। ये प्रगति नहीं है, आप देखना ये बहुत बड़ी दुर्गति है। हमारे परिवार में, हमारे समाज में जब तक मर्यादा बनी रहेगी, पूरा प्रयास करना चाहिए कि ये सब मर्यादा बनी रहे। अब गोपी ने क्या किया, ससुर जी को देखा तो अपना घूंघट ताना, लाज काढ़ी, तो लाज खींचने के लिए एक सेकंड के लिए कृष्ण का हाथ छोड़ दिया और दोनों हाथ से ऐसे लिया और कृष्ण का हाथ पकड़ा। कृष्ण इतने चालू आइटम, अपना हाथ छुड़ा लिया और उस गोपी के लड़के का हाथ पकड़ा दिया। अब लाज इतना निकाला था, यहां तक लाज थी तो देख नहीं पाई। और गोपी का लड़का बेचारा बोल रहा है लेकिन ये इतना चिल्ला रही है, आज तो यशोदा को बता दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। कुछ माताएं ऐसा होती है दूसरे का चांस ही नहीं आने देती, इतना बोलती है। एक पत्नी अपनी पति को लेकर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब इसका कुछ कीजिए, इसका कुछ कीजिए, रात को सोने नहीं देते। डॉक्टर ने कहा लेकिन हुआ क्या है तो बताओ। बोले ये रात भर बोलते रहते हैं, ये सपने में भी बोलते हैं। डॉक्टर ने कहा दवाई की जरूरत नहीं है, दिन को चांस दो बोलने का, रात को अपने आप बंद हो जाएगा। तो बेचारा दिन को इसको बोलने का चांस ही नहीं देती तो बेचारा अपना कोटा कहाँ निकालेगा, अपना जो बोलने का कोटा है वो कहीं तो खत्म करेगा, तो रात को बोल रहा है। गोपी बोले जा रही थी, बोले जा रही थी, कृष्ण ने क्या किया, शॉर्टकट लेकर अपने घर पर पहुंच गए। गोपी ने कन्हैया के घर पर, यशोदा के घर पर जाकर बेल दबाया, अंदर से कृष्ण ने दरवाजा खोला। अरे कृष्ण तू, ये मेरे साथ कौन है? अरे चिंटू तू, तू मेरे हाथ में कहां से आ गया? चिंटू ने कहा डेढ़ घंटे से तो चिल्ला रहा हूं मैं, लेकिन तू इतना जोर से बोल रही है कि मेरी तो सुन नहीं रही है। कृष्ण अंदर खड़े थे, मुंह सब धो लिया था, हाथ बात धोकर, क्या रे गोपी मेरी शिकायत करेगी हैं? मेरी कंप्लेंट करेगी? देख, कृष्ण ऐसा कहा, देख इस बार तो मैंने तेरे पुत्र का हाथ पकड़ाया है, अगली बार यदि शिकायत लेकर आई ना तेरे पति का हाथ पकड़ा दूंगा, भाग यहां से। कृष्ण की शिकायत करेगी, शिकायत करेगी। गोपी बेचारी निराश होकर वहां से चली गई। रोज है कहीं, रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी गोपी के घर पर। एक दिन कृष्ण के सखा कहते हैं सरदार भूख लगी है, माखन खाना है। कन्हैया ने कहा देखो आज हम थोड़े थके हुए हैं, चोरी नहीं करेंगे, तो फिर माखन कैसे खाएंगे? बोले तुम सब लोग रुको, मैं तुम्हारा सरदार हूं ना, मैं सब करता हूं। कृष्ण एक गोपी के घर पर गए, ध्यान से सुनिए, गोपी ने दरवाजा खोला, कृष्ण तू यहां पर? हां मेरी माँ ने भेजा है। क्यों? बोले आज हमारे घर पर बहुत सारे साधु संत महात्मा आने वाले हैं और वे साधु संत को मेरी माँ माखन खिलाएगी। अब साधुओं का तो भरोसा नहीं ना, कितना स्प्रिंग रोल खा जाए, कितना आइसक्रीम खा जाए, ये ना तो कहीं ठेकाणु नहीं ना। लेकिन आइए कन्हैया के पास, कन्हैया गोपी के घर पर आया है, कहता है गोपी घर पर साधु संत आने वाले हैं
और माँ ने कहा है कि जाओ पड़ोस में से गोपी के घर से माखन लेकर आओ। तो गोपी एक माखन की मटकी चाहिए, कल परसों तुमको हम वापस दे दें। हमारे वहां होता था ना कि कभी कोई एक दो चीज चाहिए तो दुकान में नहीं जाना, पड़ोस में से लेकर आता है। गोपी ने कहा कन्हैया एक नहीं ये दो माखन की मटकी लेकर जा। गोपी ने कन्हैया को दो माखन की मटकी दे दी, कन्हैया चलने लगा। दरवाजे के पास पहुंचा, गोपी ने कहा रुक रुक कन्हैया, कृष्ण रुक। और कन्हैया के हार्ट बीट बढ़ने लगे, अब इसको क्या हुआ। कहा कन्हैया तुम्हारे साधु वो हमारे साधु, तेरे घर के अतिथि वो मेरे घर के अतिथि, तो तेरी माँ को कह देना कि ये माखन वापस देने की जरूरत नहीं है, ये मेरी ओर से डोनेशन साधुओं को खिला देना। कन्हैया और खुश हुआ, लो ये तो और भी बला टली, वापस देने का चक्कर भी खत्म। कन्हैया धीरे धीरे आगे चलने लगा, फिर से गोपी कन्हैया रुक। कन्हैया का दिल ऐसे ऐसे होने लगा, अब क्या है इसको। कन्हैया मेरी ओर से प्रेम से साधु संतों को खिला देना और साधु संतों का जय जयकार कर देना। ठीक है, गए कन्हैया, गया सखाओं के बीच में और एक के बदले दो मटकी लेकर आया और जितने भी सखा थे सब प्रेम से खाने लगे। अब होता क्या है, जहां लगा धन वहां लगा मन है? आप कभी कभार कोई मंदिर में डोनेशन दोगे ना तो मन में होता है कि चलो भाई उस लक्ष्मी नारायण मंदिर में इतना डोनेशन दिया था, एक बार चक्कर मार के आते हैं है? जहां धन लगता है वहां मन लगता है। तो गोपी ने सोचा चलो आज डोनेशन किया है, साधु संत आए होंगे थोड़ा दर्शन करके आते हैं। गोपी निकली घर से, साधु संतों का था वहां तो कुछ था ही नहीं, साधु संत तो झूठ बोलकर गया था। गोपी आई तो रास्ते में ही वो मटकी मार रहे थे, सब लोग खा रहे थे माखन, और गोपी कृष्ण का कान पकड़ करके थी, ये तेरे साधु संत है। कृष्ण गोपियों को, गोपी को कहता है कि हाँ यही तो साधु संत है। त्रेता में वानर भये, त्रेता युग में जो वानर थे और वही इस युग में गोप गाल ग्वाल सखा बनकर हं? और कलयुग में वही साधु संत के रूप में आया, यही सच्चे साधु है। तो इस प्रकार कृष्ण चोरी करते थे, चोरी की बहुत सारी लीला है। लेकिन भागवत के दशम स्कंद के नवम अध्याय में एक बार गोपियां ब्रज में, जितनी भी गोपियां थी वो सारी गोपियां मिलकर यशोदा के पास आती हैं और कृष्ण आज देख रहे हैं कि एक दो गोपी को तो मैं निपटा लेता था लेकिन आज पूरे गोपियों का जुलूस आ रहा है, हजारों गोपी आ रही है, कृष्ण बुरे फंसे। बोले इन सब का सामना करना, कृष्ण छत पर खड़े थे, हजारों गोपियों को आकर देख रहे थे, नीचे उतरे यशोदा के पीछे जाकर छिप गए और गोपियां शिकायत करने लगी। गोपियां कहती अपना गाँव ले व नंद रानी, हम कहूँ अनंग बसेरी जाए। रानी जू, हे यशोदा जी, आप है ना एक काम करो, अपने कन्हैया को लेकर यहां से चली जाओ। या तो इस गांव में आप रह सकती हो या हम रह सकते, ये कृष्ण के साथ हम लोग इस गांव में नहीं रह सकते। यशोदा कहती है ऐसा तो मेरे कन्हैया ने क्या कर दिया, बेचारा ठीक से चलना भी नहीं जानता और तुम कहते हो कृष्ण। बोले क्या नहीं किया ये बताओ, हमारे नाक में दम करके रख दिया है। बोले क्या किया, गोपियां कहती हैं कि ये पनघट पर, हम लोग जब पनघट पर पानी भरने जाती हैं तो ये हमारी साड़ी पकड़ता है और आंख मार के कहता है कि शादी करेगी मेरे साथ। अब पूछो इसको शादी का मतलब जानता है।
ये हमको धक्का मार के गिरा देती है। कृष्ण कहते हैं माँ इसकी बातों में मत आना, मैं किसी को कोई धक्का नहीं मारता, मैं तो वहां केवल बैठ शांति से, तेरा लाला हूं ना, शांति से बैठा रहता हूं, और ये मुझे देखने में चलती है और मुझे देखते देखते चलती है, ठोकर लगती है, गिर जाती है, नाम मेरा बिगाड़ती है, मेरा कोई दोष? किसी गोपी ने कहा माँ ये हमारे घर पर माखन की चोरी करता है, इसको तुम रोको। यशोदा ने कहा मेरा लाला चोरी कर ही नहीं सकता, और यदि चोरी करता है तो तुम एक काम करो, अपने माखन के मटके को छत पर टांग दो ताकि इसका हाथ न पहुंचे। किसी गोपी ने कहा मैया ये करके देखा, जब मटके को ऊपर टांगती है तो ये टेबल उखल लेकर आता है, उसके ऊपर चढ़ के मटका उतार देता है। अरे तो और ऊपर माखन का मटका बांधो, टेबल भी न पहुंचे, मगर जब हम ऊपर बांधते तो लंबी लकड़ी लेकर आता है, दिखने में छोटा है लेकिन है सबका बाप, मटके में ऐसा छिद्र करता है कि उसकी धार होती है, सब लोग लाइन में खड़े रह जाते, सीधे मुख में ले लेता है, माखन का मटका खाली। गोपी कहती है कि और ऊपर बांधो, यशोदा कहती है कि अपने मटके को बहुत ऊपर बांधो ताकि तुम्हारा लाला उसे उतार ना पाए। किसी गोपी ने कहा मैया ये भी करके देखा, जब माखन के मटके को बिल्कुल छत पर बांध देती है तब ये लोग क्या करते हैं, नरसी मेहता, चार पांच गोवाल टोले वली ने एक बीजाने कांधे चढ़ी ने, चार पांच गोवाल टोले वली ने एक बीजाने कांधे चढ़ी ने, मटू की माँ मोरली मारे मारो कान श्याम अभी ने मारी, मटू की फोड़े घमर घमर मारा बलोड़ा गजे श्याम अभी ने मारी, मटू की फोड़े ओ श्याम अभी ने मारी, मटू की फोड़े मटकी फोड़े ने वालो महिड़ा ढोले श्याम अभी ने मारी, मटकी फोड़े ए मटकी फोड़े ने मारा महिड़ा ढोले श्याम अभी ने मारी, मटकी फोड़े ओ हो श्याम अभी ने मारी, मटकी फोड़े ओ श्याम अभी ने मारी, मटकी फोड़े। तो इस प्रकार जब मटकी को बहुत ऊपर बांधते हैं तो 10 बच्चे नीचे खड़े रहते हैं, उसके ऊपर 5, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2, और सबके ऊपर ये तुम्हारा कृष्ण होता है, मटकी को उतार देता है। यशोदा ने कहा यदि ऐसा होता है तो एक काम करो, अपनी मटकी में माखन रखो ही मत, माखन होगा तो चोरी होगी ना, घर पर माल ही नहीं होगा तो चोरी काहे को होगी। किसी गोपी ने कहा मैया ये भी करके देखा, जब हम हमारे घर पर माखन नहीं होता है और ये लोग चोरी करते हैं और इसको माखन नहीं मिलता है तो ये कृष्ण श्राप देता है, इस घर में हमारे खाने के लिए माखन नहीं है, दरिद्रे वस्तु अस्मिन गृहे, इस घर में दरिद्रता आएगी, ऐसी दरिद्रता आएगी, ऐसी दरिद्रता आएगी कि इस घर की 21 पीढ़ी हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगेगी, मेरे खाने के लिए माखन नहीं है। माँ ये निर्दोष बालक, इसका श्राप यदि सत्य हो गया तो हम तो गए ना काम से, तो डर के मारे हमको माखन रखना पड़ता है। यशोदा ने कहा एक काम करो, चोरी करने का भय है, जब ये चोरी करने को आए तो इसको सामने से माखन दे दो, भाई ले ले, और ये जितना माखन खाएगा उसका 10 गुना मैं तुमको दे दूंगी, लेकिन आज के बाद मेरे बेटे का नाम मत बिगाड़ना। किसी गोपी ने कहा मां ये भी करके देखा,
हम जानते हैं कि आज हमारे घर पर आने वाला है, तो हम सामने से माखन दे दे, कम से कम घर तो ना बिगड़े, क्योंकि ये लोग खाते कम है बिगाड़ते ज्यादा है। तो हमको पता है 2:30 बजे आने वाला है, तो हम 2 बजे ही प्रांगण में बैठ जाती हैं, पूरी टीम को लेकर आते हैं। हम सामने से कहती है, ऑफर करती है कि लाला कन्हैया माखन खाएगा, ये ले माखन, माखन खाएगा। तो जानते हो जब हम सामने से माखन ऑफर करती हैं तो ये क्या क्या कहता है, भिखारी समझा है, हमको भिखमंगा समझा है, माखन खाएगा माखन खाएगा, तुझे कितना माखन खाना है, हम राजा के बेटे हैं, तुझे कितना चाहिए मैं उतना तुझे देता हूं, माखन खाएगा। वो नाना पाटेकर याद आता है, बीड़ी चाहिए है? माखन खाएगा। हम लोग फोकट का नहीं खाते, फ्री का नहीं खाते, हम लोग मेहनत करके खाते हैं। तो जानते नहीं है चोरी करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, चोरी करते समय कितना प्लान लेना पड़ता है, कितना रिस्क लेना पड़ता है। कर्मण में वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम लोग कर्म करते हैं और मैया कर्म इसका क्या है, चोरी है। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन मैया इतना है कि तुम्हारे लाला को चोरी का माल ही पसंद है, इसको चोरी का माल ही अच्छा लगता है, कन्हैया का कुछ करो। इतना कह के गोपियां चली गई। माँ यशोदा मन में सोचती है कि आखिर कन्हैया चोरी क्यों करता होगा। दिवाली के दिन माँ यशोदा के मन में इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। बोले मेरे घर पर जो माखन बनता है वो मेरे घर के दास दासी बनाते हैं, और ये दास दासी न जाने किस भाव में बनाते होंगे, भगवान तो भाव के भूखे हैं ना, तो अब मैं मेरे हाथों से माखन बनाऊंगी, भाव से माखन बनाऊंगी। माँ यशोदा सुंदर वस्त्र धारण की है, रात को ही दूध गर्म करके उसमें थोड़ी खटास डाल दी है, दूसरे दिन सुबह सुंदर दही बन गया है। कन्हैया सो रहा है, अपने अलग अलग दास दासियों को अलग 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 सेवा में नियुक्त कर दिया है, और स्वयं यशोदा उस मटके में मथानी डालकर, पहले के जमाने में तो वो रस्सी से ही माखन बनाते थे ना। सो एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं। माँ यशोदा अपने हाथों से माखन बना रही है, लेकिन माखन बनाते समय कृष्ण का कीर्तन कर रही है। यानी यानी ही गीतानी तदबाल चरितानी च, कृष्ण का स्मरण कर रही है, कृष्ण का कीर्तन कर रही है, कृष्ण के लिए माखन बना रही है। और उसी समय कृष्ण आए, यशोदा के गोद में सो गए, यशोदा अपना स्तन का दूध पिलाने लगी, कृष्ण खुश माँ यशोदा खुश। लेकिन रसोई घर में चूल्हे पर दूध जल रहा था वो बाहर आ गया, उसे बचाने के लिए माँ यशोदा ने कृष्ण को छोड़ा, दौड़ कर गई और उस किचन में चूल्हे के दूध को बचा लिया। लेकिन यहां कृष्ण को क्रोध आ गया, ये 60-70 रुपया लीटर दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई, बस मेरी इतनी ही वैल्यू। कृष्ण को इतना क्रोध आया, क्या करूं। बोले इस मटके में सुबह से मेहनत कर रही है, एक पत्थर उठाया मटका फोड़ दिया, सारा दही माखन सब बाहर फैल गया। जब वो फैल गया तब कृष्ण सोचे, यार फोड़ते फोड़ दिया लेकिन ये सब फैल गया, अब तो माँ डांटेंगी। माँ यशोदा, कृष्ण वहां से भाग गए, माँ यशोदा आकर देखी, अब तक गोपियों की बात पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अपने ही घर पर जब मटका फूटा हुआ देखा तो माँ यशोदा ने सोचा कि जो अपने घर पर मटका फोड़ सकता है
वो दूसरों के घर पे क्या नहीं कर सकता। आज मैं कृष्ण को दंड देकर रहूंगी। यशोदा ने हाथ में छड़ी उठाई, कहां है कृष्ण, खोजने लगी। कृष्ण दूसरे घर में पर्दे के पीछे छिपे थे। कृष्ण, यशोदा ने पर्दा हटाया, कृष्ण उखल से कूदे, कृष्ण आगे आगे, यशोदा पीछे पीछे। कृष्ण कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, माँ यशोदा को दौड़ा रहे। अब गोकुल की गलियों में दौड़ रहे हैं, छोटे छोटे कदम से कृष्ण दौड़ रहे हैं। माँ यशोदा का मोटा तगड़ा खाते पीते घर का शरीर, यशोदा को पसीना निकल रहा है। और जैसे तैसे कृष्ण की गति धीमी हुई, यशोदा की गति तेज हुई। यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया और सत्यव्रत मुनि ने लिख दिया, नमामीश्वरम सचिदानंद उपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। नमामीश्वरम सचिदानंद उपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। यशोदा भियो लोक लादव मानम, यशोदा भियो लोक लादव मानम, परामृष्ट मत्यंत ततो द्वितीय गोप्या। आज अंतिम दिन है और हम छे छे दिन से जो आनंद कर रहे हैं, कथा सुनने का आनंद, प्रसाद खाने का आनंद और नाचने का आनंद, तो अंतिम दिन में भी हम नाचना क्यों चूक जाए है? तो खड़े होकर 5-10 मिनट हो जाए, खड़े होकर भाव से रुदंत मुहुर नेत्र युगम मृजंतम कराम भोज युग में न सातंक नेत्रम। रुदंत मुहुर नेत्र युग मृजंतम कराम भोज युग में न सातंक नेत्रम। मुहु श्वास कंपात्री रेखा ककंठ, श्वास कंपात्री रेखा ककंठ स्थित ग्रेव दामो दरम भक्ति बदम। ये हलो हलो, आगे आ जाओ, आगे आके गोल राउंड बना के भाव से, हे खम्मा मारा काठे ते कान घोड़ा खेल वेरे नागर
शोभा हो रंग रसिया। ये कान मने घड़ूलो चढ़ायो रे नागर उभा हो रंग रसिया। राधा रानी रे उबा मांडवे ने काए
રાણી રે ઉભા માંડવે ને પાઈ જોવે રે મણિયારા તારી જોવે મણિયારા તારી જોવે મણિયારા તારી હે હોવે હોવે જોવે મણિયારા आशा संपूर्ण कर दास दानी ये म
मारी सज्जन शिषित दे कुटुंब शिषित दे रंग में जीत दे माँ भवानी मारी रंग में जीत दे माँ भवानी रावण सरी को राजियो पर्वत नीरु रे समान आला जी तारा आला जी तारा आला जी तारा हाथ बखानो ये पति तारा पगड़ा बखानो आला जी तारा हाथ बखानो ये पति तारा पगड़ा बखानो जय जय प्रभु पा प्रभु पा कृष्ण ने देखा कि यशोदा बहुत दौड़ी, कृष्ण की गति धीमी हुई और मां यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया। कहते हैं मां यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर भगवान से कृष्ण रोने लगे। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम रिजंतम। मां यशोदा ने हाथ में छड़ी कृष्ण को मारने के लिए नहीं, उसे डराने के लिए रखी थी। यशोदा ने देखा कि बहुत डर रहा है तो छड़ी को फेंक दिया और कहती है कि तू बहुत शरारत कर रहा है कन्हैया, मैं तुझे बांध कर रखूंगी, मैं तुझे दंड दूंगी। बाजू में एक रस्सी पड़ी थी और वह उखल जो था उससे यशोदा कृष्ण को बांधने लगी। आप सब जानते हैं कि जब यशोदा कृष्ण को उखल से बांधने लगी तो वो रस्सी जो थी दो उंगली कम पड़ गई। बाजू में और एक रस्सी पड़ी थी, उसे जॉइंट की और फिर बांधने लगी, फिर भी दो उंगली कम। यशोदा ने दासियों को कहा, हमारे घर पे जितनी भी रस्सी है सारी रस्सी लेकर आओ। सारी रस्सी जॉइंट की और फिर बांधने लगी तो फिर भी हैं दो उंगली कम। यशोदा अब गोपियां कहने लगी कि मां छोड़ दो ना, कृष्ण के नसीब में बंधन नहीं लिखा है, छोड़ दो इसे। यशोदा कहती है, एक तो तुम ही शिकायत करती हो और जब मैं उसे सुधारती हूं तो तुम ही उसका पक्ष लेती हो। जाओ पूरे गोकुल में, सारे घर में जाकर, सारी दुकान में जाकर रस्सी लेकर आओ, आज कन्हैया को बांध कर रहूंगी। सारे गोकुल की रस्सी लाई गई, ज्वाइंट की गई, लेकिन फिर भी कृष्ण नहीं बन रहे हैं, दो उंगली कम पड़ गई। अब ये दो उंगली का तात्पर्य क्या है, तो थोड़ा सैद्धांतिक इसके पीछे का दर्शन फिलोसॉफी समझिए। हम सब लोग कृष्ण को बांधना चाहते हैं, माने कृष्ण को पकड़ना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं। मानो हम सबकी इच्छा है कि कृष्ण मिल जाए, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। लेकिन एक भक्त को भगवान की प्राप्ति के लिए दो उंगली की कमी पड़ जाती है और ये दो उंगली की कमी, उनमें से एक उंगली है भगवान की कृपा। एक बात तो समझनी होगी, जब तक ईश्वर कृपा नहीं होगी तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान मिलेंगे उनकी कृपा से, उनकी दया से। इसलिए हमें जीवन में उस भगवान के कृपा की याचना, उनके दया की कामना करनी चाहिए। तो कुछ लोग कहेंगे ठीक है, उनकी कृपा होगी तब वो मिलेंगे, लेकिन दूसरी उंगली है, पहली उंगली है भगवान की कृपा, दूसरी उंगली है
भक्त का प्रयास। जब तक एक साधक एक भक्त प्रयास नहीं करेगा भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सो भक्त प्रयास करेगा और उस प्रयास को देखकर भगवान कृपा करेंगे। अच्छा, भगवान जो है हमारा प्रयास देखते हैं, ये बात समझ लीजिएगा। कई बार कुछ भक्त 16 माला करते हैं और कोई भक्त 4 ही माला करता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के जीवन में बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है और उस रिस्ट्रिक्टेड अवस्था में 4 माला मुश्किल से करते हैं, और किसी भक्त के जीवन में बहुत सरलता होती, वो 16 कर लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में उस 16 माला से 4 माला की महिमा ज्यादा है, क्योंकि उसका प्रयास ज्यादा है। भगवान प्रयास देखते हैं, हम कितना प्रयास करेंगे। सो हम सबको भगवत भक्ति भगवत सेवा का प्रयास करना है, और हमारे प्रयास को देखकर भगवान के हृदय में करुणा होगी और इसी से भगवान हमारे पकड़ में आएंगे, हमारे बंधन में आएंगे। माँ यशोदा प्रयास कर रही है और कृष्ण देख रहे हैं कि बहुत प्रयास कर रही है। प्रयास करते करते यशोदा थक गई, पसीने से लथपथ हो गई, और सुखदेव जी ने कहा, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने। कृष्ण ने देखा माँ यशोदा ने बहुत प्रयास किया, कभी किसी के भी बंधन में नहीं आने वाले भगवान आज यशोदा के बंधन में आ गए, यशोदा के बंधन में बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। वैसे कृष्ण को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन आज कृष्ण प्रेम के बंधन में बंध गए। कथा तो ऐसी आती है कि जब गोकुल की रस्सियों से कृष्ण नहीं बंधे, सारे ब्रज की रस्सी से कृष्ण नहीं बंधे, तब यशोदा ने कहा कि जाओ ब्रज की रस्सी खत्म हो गई, कोई बरसाना जाओ, बरसाना से रस्सी लेकर आओ। तो गोपी बरसाने में गई, राधा रानी बैठी थी, बोले आपके घर से कोई रस्सी दे दो। बोले क्यों? कन्हैया को बांधना है। तो गाय को, राधा रानी गाय दो रही थी, आप जानते होंगे गाय को दोते समय गाय के पांव में रस्सी बांधी जाती है। गाय को दो लिया, गाय के पांव से रस्सी बांधकर राधा ने रस्सी दी, इस रस्सी से बांधना वो बंध जाएंगे। जब राधा रानी की रस्सी आई तब कृष्ण बंध गए, और इसीलिए दामोदर अष्टकम के अंत में क्या कहते हैं, नमो राधिकाये त्व दिय प्रियाये, नमो नंतलीलाय देवाय तुभ्यं। बांध दिया कृष्ण को। जब कृष्ण बंध गए तो बड़े परेशान हो गए। माँ यशोदा ने कहा कि सारी गोपियां सब लोग अपने अपने घर चले जाओ, अपने अपने काम करो, आज यही कृष्ण का दंड है। यशोदा भी अपने काम में चली गई। अब सूरदास जी ने यहां पर एक बहुत सुंदर पद लिखा कि जिस समय कृष्ण को बांधा बलराम जी दाऊ जी घर पर नहीं थे,
वो अपनी माता रोहिणी के साथ कहीं भोजन में गए थे और वहां बलराम जी को दाऊ को कहा कि किसी ने तेरे छोटे भाई कृष्ण को बांध दिया है। सारी बात नहीं बताई, केवल इतना पता चला कि किसी ने बांधा, यशोदा ने बांधा, ये पता नहीं चला। और बलराम जी आक्रोश में क्रोध में आ गए, किसने मेरे भाई को बांधा है? आज जिस किसी ने मेरे भाई को बांधा है आज वो खत्म हो जाएगा, आज वो मेरे हाथ का शिकार हो जाएगा। यदि पुरुष है तो उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, बच्चे हैं तो वे सब अनाथ हो जाएंगे। आज धरती का गोला जिस किसी ने मेरे भाई को बांधा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा क्रोध करते हुए बलराम जी आए जहां पर कृष्ण को बांधा था। और बलराम जी आकर बलराम जी को पता चला कि मैं तो क्रोध कर रहा था, मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन लो ये तो मैया ने ही बांधा है। सो बलराम जी की सारी हवा निकल गई, बोले माँ ने बांधा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चलो जाकर कृष्ण की खबर तो लेकर आऊं। अपने गुजराती में एक खबर काढ़वानो रिवाज छे, हिंदी वो मन नहीं होतो, हम खास करीने गुजराती वो पासे समय बहु होय ने એટલે खबर काढ़वा जाए, पछु खबर काढ़ता है आवडवू जोईए। आजनी नवी छोकरीओने ना એટલે ઓલી ગઢા માતાઓ શીખવાડે કે જો મોઢું બગાડવાનું, ફલાણા ભાઈ બીમાર છે આમ। ઘણી વાર માણસો ખબર કાઢવા જાય આમ ગ્લુકોઝનો બાટલો ચડતો હોય, એકલા તો જાય નહીં, ચાર પાંચ છોકરાઓને સાથે લઈ જાય। એક છોકરો દર્દીની છાતી ઉપર બેસી ગયો હોય, બીજો દર્દીના સફરજન ખાતો હોય, અને ત્રીજો ઓલો બાટલો ચડતો હોય ને એની હારે રમત કરતો હોય, એને 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 આમ ફાસ્ટ કરી દેતો હોય, અને પછી આજે ખબર કાઢવા ગયા છે ને ગુજરાતીમાં પૂછે શું થયું, તો બિચારો દર્દી તો નિમાણો હોય નહીં તો આમ ધીરેથી બોલે, ડોક્ટર કે છે કમળો થયો છે, કમળો 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 તો ભગવાન દુશ્મનને ન દે, ફલાણા રમેશભાઈને તો કમળો જતો ને એ કમળામાંથી કમળી થઈ અને પછી વયા ગયા, એટલે તું જવાનો, કોઈને ત્યાં ખબર કાઢવા જઈએ તો એને હિંમત આપવી જોઈએ। ભગવાન કૃષ્ણ બંધે હુએ હૈ ઓર બડે ભૈયા દાઉજી કૃષ્ણ કે પાસ ખબર લેને જા રહે હૈ। બલરામજી કૃષ્ણ કે પાસ ગયે, બડે ભાઈ કો દેખ કર કૃષ્ણ રોને લગે, જોર જોર સે રોને લગે, ભૈયા મુજે યહાં બાંધ દિયા, મુજે છુડાઓ। બલરામજી ને કાન પકડા, મેં કહેતા થા તું ચોરી મત કરના, મેં તુજે બાર બાર મના કરતા થા ચોરી મત કરના, તુને ચોરી કી અબ લે દંડ ભોગત, ભૈયા આજ કે બાદ ચોરી કભી નહીં કરૂંગા। દેખ એક તો કૃષ્ણ કો મૈયા ને ડાંટા બાંધા, ઉપર સે બલરામ ભી ડાંટ રહે હૈ। આપણા આપણા ગુજરાતીઓ ખાસ કરીને તમે જો, હું તો આખી દુનિયામાં ભાગવત લઈને ફરું છું ને, આખી દુનિયામાં ગુજરાતીઓ ફેલાયેલા છે। પેલા કોઈને ત્યાં જાય નોકરી કરે, પછી એ જ કંપનીમાં બોસ બનીને બેઠા હોય, તમારે તમે પાંચ વર્ષ પછી જો માલિક બની ગયો હોય, સિંધી પાસેથી માલ ખરીદે ને મારવાડીને વેચે તોય નફો કરે એ ગુજરાતી। મુજે એ કહેના થા, હા હા, આ ગુજરાતીઓ ક્યાંય પાછા ન પડે એનું કારણ શું ખબર છે? આપણે ત્યાં બાળકો રમતા હોય ને, જૂના જમાનાની વાત કરું, છોકરો રમતા રમતા પડી ગયો હોય, પછી રડતા રડતા ઘરે આવે, એક તો બિચારાને વાગ્યું છે, લોહી નીકળ્યું છે, ઘરે આવે એની માં બે લાફા મારે, ત્યાં શું દાટી હતી, હવે તો એક ત્યાં હેરાન થઈને આવ્યો છે, લોહી નીકળ્યું છે, રડતા રડતા ઉપરથી માં બે ખેંચીને મારે, એ છોકરા ક્યાંય પાછા પડે? બલરામજીને કૃષ્ણ કો દાટતે હોય, મને કહા થા તું ચોરી મત કરના, ફિર ભી તુને ચોરી કી, ભૈયા આજ કે બાદ ચોરી નહીં કરૂંગા, લેકિન મુજે યે બંધન અચ્છા નહીં લગ રહા હૈ, મુજે યહાં સે મુક્ત કરા દો। બલરામજી કહેતે હૈ ઓર કિસી ને બાંધા હોતા તો મેં છોડા દેતા, માં ને બાંધા હૈ,
भैया फिर भी चलो ट्राई करके देखता हूं। बलराम जी आए माँ यशोदा के पास। यशोदा को कहते हैं कि माँ कन्हैया को छोड़ दो। यशोदा ने कहा क्यों छोड़ू? मैया भी आज क्रोध में, क्यों छोड़ू? बोले माँ तू जानती नहीं वो कौन है। अच्छा मैं जानती नहीं वो कौन है, तो तू बता दे कौन है। माँ वो साक्षात भगवान है, भगवान वो विष्णु है, विष्णु उसी ने सतयुग में नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यपु को फाड़ दिया, उसी ने वामन अवतार लेकर दो कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया, उसी ने परशुराम अवतार लेकर 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस कर दिया। मां वो विष्णु है, विष्णु। मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा। बोले बिल्ली की आवाज सुनकर रोते रोते मेरी गोद में आकर छुप जाता है, वो विष्णु है। ओके नो प्रॉब्लम, चल वो विष्णु, तू कौन है वो भी बता दे, क्योंकि मैं तो अनजानी हूं ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। वो विष्णु है, ठीक है, तू कौन है? मैं संकर्षण, मैं अनंत शेष संकर्षण, जिसके ऊपर करोड़ों ब्रह्मांड खड़े हैं, एक माथा हिलाऊं तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड गिर जाए। मैया ने धीरे से वो छड़ी को फेंक दिया था ना, लकड़ी को, तो धीरे से इसे उठाया और बलराम को दिखाकर कहती हैं, साले ये सारे अवतार मेरे ही घर में होने थे, हैं? हमारू घर मिलू तो अवतार, आटला बधा अवतारों ने लेवा माटे, भाग नहीं तो तुझे भी कृष्ण के साथ बांध दूंगी। और बलराम धूम दौड़ा कर भागे वहां से। भक्तो ये ब्रज है, ये ब्रज लीला है, ये कृष्ण का माधुर्य है, और इसी माधुर्य को देने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर प्रकट हुए हैं। कृष्ण ने ब्रजवासियों को बहुत आनंद दिया, गोपियों को आनंद दिया, गायों को आनंद दिया। 11.5 वर्ष तक इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को आनंद दिए, और एक दिन वो अक्रूर आए और कृष्ण को मथुरा लेकर चले गए। कृष्ण ने कहा, वादा किया था कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन मथुरा जाकर कृष्ण इतने बिजी हो गए, अपने कर्तव्यों में इतने निष्ठ हो गए कि कहकर गए थे परसों बीत गए बरसों। श्रीमद् भागवत का अब अंतिम समय की मर्यादा सीमारेखा में है, पूर्णाहुति का समय है। एक करुण प्रसंग सुनाकर हम कथा का विदा करें। कृष्ण मथुरा में है और एक दिन मथुरा में विश्राम घाट में स्नान करके कृष्ण उस किनारे पर बैठे। कृष्ण को जब भी ब्रज की याद आती यमुना के तट पर आकर बैठ जाते हैं। उसी समय क्या होता है कि यमुना में ब्रज की ओर से एक सुंदर कमल तैरता 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 कृष्ण के पास आता है। उस कमल को हाथ में लेकर समझ गए कि यह कमल राधा रानी का कमल है। अपनी प्रिया, वर्षों के बाद उस राधा का कमल यमुना में बहते बहते कृष्ण के पास आया। ब्रज की याद आई, कृष्ण के आंखों से जार 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 अश्रु की धारा बहने लगी। और उस समय मथुरा में कृष्ण के एक मित्र थे जिसका नाम था उद्धव। बड़े ज्ञानी थे, स्वर्ग में विद्या प्राप्त करके आए थे, तो ज्ञान का थोड़ा अभिमान भी था। उद्धव ने देखा कि कृष्ण रो रहे हैं। उद्धव ने पूछा कि प्रभु आप रो क्यों रहे हैं, रोने का कारण क्या है? तब कृष्ण कहते हैं, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिस रत नाही। उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं, मुझे ब्रज की याद आ रही है।
अब ये तो बुद्धि प्रधान आदमी उद्धव, उद्धव कहता है वेदों में लिखा, शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के विरह में भक्त रोते हैं। चलो ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन भक्त के विरह में भगवान रोता है ये गलत है। अब उद्धव तो भगवान में भी दोष देखने लगे, ये गलत, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। उद्धव तुम नहीं समझोगे, मैं क्या बताऊं, मुझे मेरे ब्रज की याद आ रही है। उद्धव तुम एक काम करोगे, मैं तो यहां पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य में बंधा हूं, तुम मेरे मैसेज संदेश को लेकर ब्रज में जाओगे। उद्धव ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो ज्ञानी हूं, सबको समझा दूंगा, सबका रोना बंद कर दूंगा। कॉन्फिडेंस था आदमी को, क्योंकि उद्धव ज्ञान की पाठशाला में पढ़ा था, प्रेम की पाठशाला में नहीं पढ़ा था, और कृष्ण अब उद्धव को प्रेम की पाठशाला में भेज रहे हैं। उद्धव ने कहा ठीक है, मैं आपका संदेश लेकर जाता हूं, बताओ मुझे किसके पास जाना है। कृष्ण कृष्ण है भक्तों, उद्धव लिख रहे हैं, हाथ में डायरी है, पेन है, बताओ पहले किसको मिलना है। अब मैं आपको पूछूं, भागवत की बात है, उद्धव हाथ में पेन और पेपर लेकर बैठे हैं और कृष्ण को पूछे कि ब्रज में तो बहुत सारे लोग हैं, नंद यशोदा राधा गोप गोपी सखा, आप नंबर से बताइए मैं पहले किसको मिलूं। कृष्ण ने किसका नाम लिया होगा, वैसे सीधा सोचे तो राधा का नाम ही आएगा, नहीं, कृष्ण ने कहा कि सबसे पहले आप नंद बाबा को मिलना। प्रेम क्या होता है कन्हैया से जानिए, पहले आप नंद बाबा से मिलना। क्यों, नंद बाबा घर के बुजुर्ग है, ब्रज के राजा है, वो एक बाप है, वो बाहर से तो कभी नहीं रोएंगे लेकिन अपने बेटे के विरह में अंदर से बहुत दुखी होंगे। भक्तों आप एक बार के लिए सोचिए, हमारे घर में जब भी कोई तकलीफ होती है हम पिताजी को कहते हैं, पिताजी घर में नल खराब है, एसी खराब है, फ्रिज खराब है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। पत्नी भी कहती है, बेटे भी कहते हैं, बेटी भी कहती है, हम सब लोग घर का जो बुजुर्ग होता है उसको अपना रोना अपना दुख सुनाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा जब उस घर के वडील के दिल में दुख होगा वो किसके पास जाकर रोएगा। एक बात सोचिएगा, बड़े आदमी का दुख भी बहुत बड़ा होता है। हम तो घर के बड़ों के सामने अपना दुख बोल देते हैं, अपनी सारी बड़ास निकाल देते हैं, लेकिन वो जब बड़ा आदमी दुखी होता होगा वो किसके पास अपना रोना, किसके पास अपना दुख निकालता होगा। कृष्ण कृष्ण है कि बाकी सब तो अपना दुख प्रकट भी कर सकते हैं लेकिन मेरे पिताजी नंद बाबा अपना दुख किसके सामने प्रकट करते होंगे, वो अंदर ही अंदर रोते होंगे। सबसे पहले नंद बाबा को मिलिएगा, फिर यशोदा मैया से मिलिएगा, फिर मेरे मित्रों को मिलिएगा, फिर गोपियों को मिलिएगा, और फिर लास्ट में अंत में राधा रानी को मिलिएगा। क्योंकि कृष्ण जानते थे कि ये राधा को मिलने के बाद कुछ नहीं कर पाएगा, राधा के प्रेम को देखने के बाद उधो सुधो हो गयो, ये उधो जो है ना ऊंधा हो जाएगा, इसलिए राधा का नाम अंत में लिया कृष्ण ने। उद्धव तैयार है, भागवत में तो वर्णन है भक्तों, कृष्ण ने कहा मेरे भक्त ब्रजवासी मेरे प्रेमी हैं, और पर पुरुष के सामने पर आदमी के सामने आंख उठाकर देखते नहीं, इसलिए उद्धव वो कोई तेरी बात नहीं सुनेंगे, काम कर तू मेरे कपड़े पहन कर जा। ब्रजवासियों की निष्ठा बहुत है भक्तों, ब्रजवासियों की निष्ठा, हरिदास प्रभु मैं आपको क्या बात करूं, मुझे बताइए कृष्ण मथुरा में ही थे ना, वृंदावन से मथुरा कितना दूर है, एक पत्थर ब्रज से फेंको तो मथुरा में जाकर गिरे,
कोई दूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रज में से कोई भी व्यक्ति ब्रज की सीमा को रेखा को लांघकर मथुरा नहीं गया। कोई सखा, कोई गोप, कोई गोपी ब्रज से मथुरा कृष्ण को मिलने नहीं गया। इवन ब्रज की गाय, इवन ब्रज का एक पक्षी भी अपनी सीमा रेखा को पार करके नहीं गया, क्योंकि हमारा बाप हमको कहकर गया है, हमारा ईश्वर, हमारा प्रभु, हमारा प्रेमी हमको कहकर गया है कि आप लोग मत आना, जरूरत पड़ी मैं आपके पास आऊंगा, आप मत आना। ये होता है निष्ठा, आज्ञा का पालन, शरणागति जो ब्रजवासियों में थी, नहीं तो नहीं जा सकते थे कृष्ण को मिलने के लिए। कृष्ण के विरह में रोते रहे, इवन मर गए, लेकिन कृष्ण कहकर गए। और ब्रजवासियों ने सोचा हम गांव के लोग हैं, कहीं हम वहां चले गए तो कृष्ण को किसी ने भला बुरा कह दिया, कुछ ना कुछ हो जाता। ब्रजवासी नहीं गए, उद्धव को भेजा है और उद्धव ब्रज में आए हैं। उद्धव ब्रज में आए, मार्ग में गोपियां मिली हैं। पहले तो लगा कि ये कृष्ण आ रहे हैं, लेकिन निकट आकर देखा तो ये तो उद्धव है। गोपियां रोने लगी, हमारे कृष्ण कहां, कृष्ण कैसे, उद्धव जी तो अपना ज्ञान दे रहे हैं, तुम रो क्यों रही हो, कृष्ण के विरह में तुम जो रो रही हो वो कृष्ण दूर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है, ध्यान करके देखो, तुम्हारे अंदर परमात्मा के रूप में कृष्ण बैठा है, परमात्मावादी हो जाओ, ब्रह्मवादी हो जाओ। गोपिया कहती है भाई ये तेरी बड़ी बड़ी बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती, तू इतना बता दे वो परमात्मा पहनता क्या है, जिस परमात्मा के लिए तू ध्यान करने को वो पहनता क्या है। उद्धव तो सोच में पड़ गए, वो कुछ नहीं पहनता है, अच्छा नंग धड़ंग रहता है, हम तो पीताम्बर वाली को चाहती हैं, अच्छा वो परमात्मा खाता क्या है, वो कुछ नहीं खाता है। उद्धव जो कुछ नहीं खाता है, कुछ नहीं पहनता है, उस भूत के साथ हमको प्रेम करने को कह रहा है। उद्धव फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि उसका ध्यान करो, ध्यान करो। गोपिया कहती है उद्धव मन न भये दस बीस, हमारे पास दस बीस मन थोड़ी है, एक ही मन है और वह मन हम श्याम सुंदर को दे चुकी हैं, दूसरा मन ही नहीं है, कहां से लाए, कहां लगाए, और तुम्हारा ये ज्ञान जो है ना किसी और को देना, हमें तुम्हारा कुछ ये समझ में नहीं आता है। बहुत बहुत चर्चाएं हुई। उद्धव ने कहा कि नंद और यशोदा का घर कहां पर है। तब गोपियां कहती हैं कि उद्धव नंद यशोदा के घर को खोजने की जरूरत ही नहीं है, ये जो नाला बह रहा है ना, ये जो एक नाला बह रहा है, इस नाले के किनारे किनारे चलकर चले जाओ, जिस घर से ये नाला बह रहा है वह घर नंद और यशोदा का घर है, क्योंकि उद्धव ये कोई साधारण पानी नहीं है, ये नंद और यशोदा के आंसू नाले के रूप में बह रहे हैं। जब से कृष्ण नंद यशोदा को छोड़कर गए हैं तब से नंद और यशोदा इतने रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं कि उनके आंखों के आंसू ही एक नाले के रूप में बह रहा है। उद्धव उसके किनारे किनारे चलकर गए और नंद बाबा के घर पर यशोदा ने देखा कृष्ण का मित्र मथुरा से उद्धव आया है। यशोदा अपनी झोली फैलाकर उद्धव के चरणों में बैठ गई, उद्धव एक बार कन्हैया को कह दो कि ब्रज में आ जाए, मेरी ममता में कुछ कमी रह गई होगी इसलिए कन्हैया मुझे छोड़कर चला गया। यशोदा एक बच्चे की तरह उद्धव से कहती है कि उद्धव उद्धव एक दिन है ना कृष्ण शरारत कर रहा था और मैंने कृष्ण को बांध दिया था, लगता है कृष्ण को उस बात का बुरा लग गया है और इसीलिए कृष्ण मुझे छोड़कर चला गया है। उद्धव मैं वादा करती हूं
अब कृष्ण कितनी भी शरारत करेगा मैं उसे कभी नहीं डांटूंगी, मैं उसे कभी नहीं बांधूंगी, बस एक बार कृष्ण को कह दो यहां आ जाए। श्रीमद् भागवत में यशोदा का ये अंतिम शब्द, इसके बाद यशोदा मौन हो गई। पूरे भागवत में यशोदा कभी कुछ नहीं बोली, इतना बोलकर यशोदा ने मौन ले लिया कि मेरे से कोई गलती हो गई तो क्षमा मांगती हूं कृष्ण से, लेकिन अब कभी गलती नहीं करूंगी। फिर नंद बाबा आए। नंद बाबा तो धीर गंभीर हैं। नंद बाबा ने उद्धव के हाथ पकड़े और उद्धव का हाथ पकड़कर नंद बाबा कृष्ण को गौशाला में लेकर गए और नंद बाबा कहते हैं कि कृष्ण को केवल इतना कह देना कि हम लोगों के ऊपर दया न आए कोई बात नहीं, हम तो फिर भी जैसे तैसे जी लेंगे, लेकिन इन गाय और बछड़ों ने कृष्ण का क्या बिगाड़ा है? जब से कृष्ण ब्रज छोड़कर गए हैं तब से इन गाय और बछड़ों ने खाना बंद कर दिया है। उद्धव, कृष्ण के विरह में ये छोटे छोटे बछड़े कुछ खा नहीं रहे हैं। ये बछड़े सूख गए हैं, अपना प्राण छोड़ देंगे। कृष्ण को केवल इतना कहना तू गोपाल है, तू गोविंद है, गाय की रक्षा करना तेरा धर्म है, कम से कम इन गाय के लिए आ जा। इस प्रकार से उद्धव ब्रजवासियों के प्रेम को देखते हैं और इस प्रेम को देखकर उद्धव का ज्ञान पानी पानी हो गया और उद्धव कृष्ण के पास वापस आए और उद्धव कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण मैं तो आने वाला नहीं था लेकिन आपको मैसेज देना था इसलिए मैं आ गया, लेकिन आपके चरणों में यही भीख मांगता हूं कि मुझे मरने के बाद यदि मनुष्य का जन्म मिले ना तो कन्हैया मुझे ब्रजवासी बनना चाहता हूं। क्या प्रेम करते हैं ब्रजवासी आपको। मानुष हो तो वही रस खाने, ब्रजो ब्रज गो कुल गावके ग्वारन। यदि मनुष्य का रूप मिले तो दूसरे जन्म में ब्रजवासी बनूं और मेरे कर्म फूटे हुए हो, और यदि मनुष्य न बनूं पशु बनूं तो कृष्ण नंद बाबा की 900,000 गाय के बीच में मुझे एक गाय बछड़ा बना देना, और मेरे कर्म फूटे हुए हो और मरने के बाद पत्थर बनूं तो गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में एक छोटा सा पत्थर बना देना। ब्रजवासी आएंगे उनके चरण की रज मेरे मस्तक पर उड़ेगी ना, फिर भी मैं धन्य हो जाऊंगा। ये हैं ब्रज, ये हैं प्रेम, और ये ब्रज, ये ब्रजवासी प्रेम के आइडल है, आदर्श है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि हमें कृष्ण से प्रेम करना है। कैसा प्रेम करना है? जैसे नंद और यशोदा ने कृष्ण से प्रेम किया था, जैसे मधुमंगल श्रीदाम सुदाम सखाओं ने कृष्ण से प्रेम किया था, जैसे गोपियों ने राधा रानी ने कृष्ण से प्रेम किया था। इस प्रेम को सिखाने के लिए कृष्ण धरती पर आए। इन कथाओं को सुनकर हम कृष्ण से प्रेम करना सीखे, यही एकमात्र उद्देश्य है। और जिस दिन ये प्रेम हो गया हमारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। आप सभी भक्तों ने इन 7 दिनों में भागवत कथा सुनकर कहीं ना कहीं अपने प्रेम को व्यक्त किया, कहीं ना कहीं अपने प्रेम को बढ़ाया। अब कथा की अंतिम घड़ी है और ये संसार है और संसार का नियम है मिलना बिछड़ना। अब जीवन में हम कभी मिले न मिले, इस भागवत मंच को छोड़ने से पहले आपको इतना ही कहूंगा
श्रीमद् भागवत में चार वस्तु मना की गई है कि यदि हम मनुष्य हैं, हमें धर्म के मार्ग पर चलना है तो कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। दूसरा, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना है। तीसरा, कभी भी किसी से गलत संबंध नहीं रखना है। और चौथा, मांसाहार नहीं करना है। और पांच वस्तु हमें करनी है, जीवन में गांठ बांध लेनी है कि मनुष्य जीवन मिला है, अज्ञान में जो बीत गया सो बीता। पांच वस्तु अवश्य करेंगे। एक, अच्छे लोगों की संगति, बुरे लोगों से दूर रहना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है। अपने जीवन में कहीं ना कहीं अच्छे लोगों की संगति की होगी, इसलिए आज आप लोग भागवत में बैठे हो। सो अच्छी संगति करें, अपने बच्चों को भी अच्छी संगति दे, क्योंकि हमारा जीवन संस्कार और संगति के ऊपर डिपेंड करता है। और ये दोनों में भी यदि देखा जाए तो कितने भी अच्छे संस्कार मिले हो, लेकिन संगति यदि बिगड़ गई तो जीवन में पानी की फिर जाएगा, जीवन की अधोगति हो जाएगी। सो अच्छी संगति में रहें, एक। दूसरा, अपने घर पर आप जिस भी स्वरूप को मानते हो, लड्डू गोपाल, राम, कृष्ण, विष्णु, जो भी स्वरूप, भगवान की छवि रखिए। रोज सुबह उठकर भगवान को प्रणाम कीजिए, उनकी आरती पूजा, जो भी आप ठाकुर जी की सेवा पूजा कीजिए। तीसरा, करने लायक काम। तीसरा, जीवन में समय निकाल कर गोकुल, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, ऐसे पवित्र क्षेत्रों में जाइए। नहीं जा सकते तो इन मंदिरों में आइए, ये मंदिर भी तीर्थों के समान है। चौथा, ये सात दिन से जो आपने भागवत कथा सुनी है, ये जीवन का अंग बना लीजिए। ये कथा रोज सुनिए, रोज भागवत पढ़िए, इसी से आपको भक्ति में मोटिवेशन मिलेगा, आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो पांच वस्तु करनी है, अच्छी संगति करनी है, घर पर भगवान की सेवा पूजा करनी है, दूसरा, तीसरा भागवत कथा का श्रवण करना है, चौथा तीर्थों में भ्रमण करना है, और अंत में भगवान के नाम का जाप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इसे मैं नवड़ी कहता हूं, हमारे गुजरात में नवड़ी बहुत फेमस है। चार चीज नहीं करनी है, पांच करनी है। ये नौ चीज को यदि जीवन में ध्यान देंगे तो हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम।